हरे कृष्णा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री राधा तू बड़ भाई, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ हैं, सो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 यशोदा नंदन गज जन रंजन, यशोदा नंदन गज जन रंजन, यशोदा नंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी,
हरे 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 रामा
राघव राजा राम पति पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम सीता राम
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि संकीर्तन के जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय दाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो आराध्यो भगवान ब्रजेश चिदुपासना ब्रजवधो व्रगेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण ममानं प्रेमापुमर श्री चैतन्य महाप्रभु मत मिदम् तत्रादरे न वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुण विम वफला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वं न जाने करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयान्तं वटाशपत्र शपुटे शयान बालं मुकुंदं मनशाश्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिवस्व ब्रह्मेतादिव गोविंद दामो
किशोर प्रभु जय जय माँ कंजो। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरतुषे नमः। पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी अस्को ग्राम के वासियों का और इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक इत्यादि के माध्यम से सुनने वाले समस्त भारी मात्रा में सुनने वाले समस्त श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज इस कथा का पांचवां दिवस है। धीरे धीरे करके यह कथा समाप्ति की ओर पूर्णता की ओर बढ़ रही है। आप भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति कथा के प्रति कृष्ण के प्रति बढ़ रहा है, मैं देख पा रहा हूं। भक्तों अगर प्रश्न हो कि मानव जीवन की सफलता किसमें है, मानव जीवन की सफलता किसमें है, डॉक्टर बनने अगर प्रश्न हो मान लिया जाए कि मानव जीवन की सफलता आखिर किसमें है, मानव जीवन हमें मिला है, पहली बात तो ये है कि आखिर मानव जीवन मिला क्यों है, क्यों मिला है मानव जीवन डॉक्टर बनने के लिए,
इंजीनियर बनने के लिए, खेती करने के लिए। पंखा का आवाज कहीं से कैच हो रहा है, किसने कैच हो रहा है? खैनी खाने के लिए, गांजा फूंकने के लिए, या शराब पीने के लिए? किस लिए मिला है मानव जीवन? शास्त्रों में कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संत रुगा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, बड़े भाग बड़े मुश्किल से यह मनुष्य जीवन मिला है, और ऐसे मनुष्य जीवन पा करके हम क्या करते हैं? इस मनुष्य जीवन में खैनी खाते है कि नहीं? और नहीं तो फिर क्या करते हैं? फिल्म देखते हैं, ना जाने क्या क्या, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं जी, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जिसका कोई संबंध नहीं है हमारे जीवन से। कोई संबंध नहीं है भक्तों। ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। 84 की योनि में घूमते 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 व्यक्ति को जब भगवान की कृपा प्राप्त होता है ना, तब भगवान कृपा करते हैं और इसको दे देते हैं, जाओ मनुष्य जीवन मिल गया। और मनुष्य जीवन में आकर के हम क्या करते हैं? बस फालतू के काम करते रहते हैं। जल जा नौ लक्षानी स्थावार लक्ष्य विसंसति। 9 लाख प्रकार के जन्म हमें जल में मिलते हैं, आप जानते हैं। 20 लाख प्रकार का पेड़ पौधा, 11 लाख प्रकार का नदी नाले में रहने वाले कीड़े मकोड़े, पक्षिणाम 10 लक्षाणाम 10 लाख प्रकार का पक्षी, 30 लक्षणी पशुहा 30 लाख प्रकार का पशु, और 4 पांव पर चलने वाले पशु बनते हैं, एवं 4 लाख प्रकार के वानर। इतना बनने के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। और भक्तों, ये मनुष्य जीवन जो है एक चौराहे की तरह है। अब यहां से आप पुनः वापिस इन्हीं चीजों में जा सकते हैं, अथवा आप फिर यहां से वापिस अपने धाम अपना घर भगवान के पास जा सकते हैं। मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। और हम कहते हैं ऐसे मनुष्य जीवन लेकर के कि भाई 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, मजे ले लो। ध्यान रखिए, अगर मजे लेंगे ना मनुष्य जीवन का, तो ये जीवन भी हमारा मजा लेगा। ये एग्जाम है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लंबे समय से वह तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और जब एग्जाम में बैठे तो बोले, अरे अरे एग्जाम क्या है, 2 घंटे का एग्जाम फिर वही अंधेरी रात, मजे करो। एग्जाम में अगर वह मजा करेगा तो फिर उसका एग्जाम मजे ले लेगा, बचिए। और उसके बाद भी ये मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं। अध्रुवम कभी भी मर सकता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं अध्रुवम, इसका कोई भरोसा नहीं है। कई बार हम लोगों को कहते हैं कि अरे भक्ति करिए, कृष्ण का नाम लीजिए, फुर्सत कहां है, फुर्सत कहां है?
समय कहाँ है, समय कहाँ है, और फिर एक दिन उस समय उसका ही नहीं होता है। जब भी जीवन में अच्छा कार्य करने को कहा जाए तो तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए। ये भागवत कथा का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य? हम भगवान की भक्ति कर सके, कृष्ण का नाम जप कर सके, क्योंकि कृष्ण का नाम ही है जो हमें तार सकता है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देर इज नो एनी अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, केवल और केवल भगवान का नाम। हम लोग कहते हैं कि भाई भजन करो, अरे अभी हमारी उम्र कहां हुई है, बुढ़ापे में करने का चीज है। तो राजा कुलशेखर लवार कहते हैं, कृष्णा तव दिय पाद पंकज पंजरांतम, अदेव में विशंतु मानस राज हंसा, प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते, कंठा अवरोधन विदोष वर्णम कुतस्तस्त। राजा कुलशेखर लवार भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं, कृष्ण तव दिय पाद पंकज, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा मन रूपी भौरा, मेरा मन रूपी हंस कब आपके चरण कमल में लग सके, क्योंकि पता नहीं जब प्राण का प्रयाण होगा, जब प्राण छूटेगा तब कंठ गला कप पीत वायु से भर जाएगा। मरता हुआ व्यक्ति ठीक से बोल नहीं सकता तो भगवान का नाम क्या लेगा, बताओ क्या? इसलिए तो बचपन से ही भक्ति कर गई। इसलिए आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले। जीवन क्षण भंगुर है, आज रात सो गए तो सवेरा होगा कि नहीं पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, रटले हरि जीवा कृष्ण का नाम तू अंत समय फिर हिली न हिली। इसलिए है जीवा आज तू कृष्ण का नाम ले ले, अश्लपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से इस गांव वासियों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह भागवत के माध्यम से भगवान का नाम ग्रहण करे। तुरंत लेना बड़े भाग मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और ये मनुष्य जीवन कैसा है मालूम है? मोक्ष का द्वार है, मतलब एकदम आप गेट पर हैं, ध्यान रखिए भक्तों, एकदम गेट पर हैं। अब मान लीजिए अब बहुत सफर करके गए हैं कहीं पे, अब जैसे माता जी आ जाए, क्या नाम है माता जी का? पम्मी, एक नाम विन्नी है, दूसरा का वेरी गुड, और ओरिजिनल नेम पम्मी। ओके, अब मान लो पम्मी माता जी आप इतने दूर से आई है, पूरा तैयारी करके आप आवे और माता जी दरवाजा ही नहीं खोले तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नहीं, माँ ऐसा नहीं करेगी, लेकिन आप आके नॉक ही नहीं करें तो कैसा लगेगा? रिटर्न जाना पड़ेगा, कैसा लगेगा? वही स्थिति है, एकदम हम अपने घर जाने वाले हैं भक्तों, जस्ट थोड़ा सा मेहनत करना है और हम भगवत धाम चले जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करना है और हम भगवत धाम चले जाएंगे। यात्रा में है बस, मनुष्य जीवन यात्रा में है, भगवत धाम पहुंचने वाले हैं, है ना? तो आज भगवान की कृपा से हमें यह भागवत सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो हमें चाहिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति करें, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान का नाम जप करें। बहुत सुंदर भक्तों ने व्यवस्था करी है कि सवेरे सवेरे मंगला आरती और नाम जप कराया जाता है। कितना समय? आधा घंटा, आपके ही ग्रामस्कूल में, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, बाबा आते हैं जो आपके बगल में बैठे हैं, आए थे सवेरे, लेकिन आप लोग कोई नहीं आते हैं।
याद रखना कृष्ण देखेंगे। आया था इस्कॉन के भक्त लोग गांव भर घूम घूम के। अब बताइए और भी कथाएं होती होंगी, कौन ऐसे आकर के मेहनत करता है आपके गांव में? आता है, खाता है, पीता है, समेटता है और फिर जीवन भर कोई मतलब है आपसे? ये तो श्रील प्रभुपाद की संस्था है भक्तों। यहाँ पे ना खाली आता है, खाता है, पीता है और समेट के नहीं जाता है, वो वहां से समेट के आता है और दे दे जाता है। ये कैसी संस्था है जहां हम लेते कम और देते ज्यादा है, और वो भी क्या जबरदस्ती भाई, निवेदन कर करके, हाथ जोड़ जोड़ करके। अब बताइए आज तक कौन से वक्ता आपसे हाथ जोड़कर निवेदन किया है आपके गली में घूम घूम के कि भाई चलो हरिनाम संकीर्तन में चलो, चलो नाम जप करने चलो? कौन वक्ता किया है बताओ? आजाए थे प्रभु जी हमारे पास, बोले और भी कथाएं होती रहती हैं। ये अंतर है प्रमाणिक कथा में और अप्रमाणिक कथा में। ब्रह्मा जी से चार संप्रदाय चले, उन चारों संप्रदाय के अंदर जो प्रचार करते वो प्रमाणिक है। आजकल तो बड़े बड़े लंबी दाढ़ियां रख लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, बाबा हम तो संत हो गए। संत नहीं है, संत का स्वभाव है कि वह कुछ दे करके जावे, कुछ ले करके नहीं। गुरु मुख पद्म वाक्य चीचित करिया एक, है ना? गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य हमारे जीवन को शुद्ध करेगा, ध्यान रखना चाहिए। और हमारा भी है, हम भी क्या ऐसे बाबा को देख लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह अरे वाह, देखो कितना बड़ा टीका लगाया है, तो यही तो है भगत। वो इस्कॉन वाले इतना पतला पतला लगाते क्या है वो लोग? और छोटे छोटे बच्चे तो है 10 साल 20 साल के, क्या ये लोग सिखाएंगे? लेकिन ध्यान रखिए भक्तों, उम्र मैटर नहीं करता है। सुत गोस्वामी कल क्या बोले? हम विलोम जाता, क्या बोले? मैं विलोम जात से हूँ, मैं विलोम जात से हूँ। लेकिन आज कृष्ण की भक्ति की महिमा तो देखो कि बड़े बड़े उच्च कुल में जन्म लिए हुए ब्राह्मण, बड़े बड़े तपस्या करने वाले ऋषि मुनि आज मुझे व्यास पीठ पर बिठा करके भागवत कथा सुन रहे हैं। किसकी महिमा? कृष्ण की महिमा है, कृष्ण के नाम की महिमा। तो हमें ऐसे जीवन में तो गुरु मुख पाद वाक्य चीते थे करिए एक, और शिल प्रपात से निकला हुआ एक एक वाक्य में जो यहां बोल रहा हूं, ये मेरे वाक्य नहीं, शिल प्रपात के हैं, गुरु महाराज के हैं। अब ध्यान रखिए यही वाक्य है, आप तो भारतवासी हैं जी। शिल प्रपात 70 साल की उम्र में, कितना साल हो गया बाबा आपका? 65 72 आपके ही उम्र में श्रील प्रभुपाद 40 रुपए लेकर के वृंदावन से अमेरिका गए थे। अब जा पाएंगे? घर से ही नहीं निकला जाता। क्यों गए थे? गुरु का आदेश था कि पश्चिमी देश में जाओ, और पश्चिमी देश में ना बहुत लोग पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नशा कर रहे हैं, परिस्थिति पर पुरुष संग कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। तुम जाओ और उनको सुधारो। शिल प्रपाद अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए 40 रुपए लेकर के, थोड़ा विश्वास करिए 40 रुपए में आप यहाँ से गिरिडीह भी नहीं जाना चाहेंगे, केवल 40 रुपए लेकर के एक अटैची, छोटा सा अटैची, एक छाता, एक जोड़ा धोती और कुर्ता और एक जोड़ा करताल लेकर के अमेरिका गए। हाथ में एक भगवद गीता बस लेकर के अमेरिका गए 40 रुपए लेकर के। और वहां हिपीज जो बर्बाद हो चुके थे, अपने घर को छोड़ दिए थे, दिन रात नशा करते थे और रास्ते पर पड़े रहते थे। बड़े बड़े घर के लड़के सब ऐसे ही रहते थे, पड़े हुए रहते थे बाहर। उनको श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र पर जमा दिया। ये नगर संकीर्तन वहीं से शुरुआत हुआ, वहीं से शुरुआत हुआ, ध्यान रखिएगा। श्रील प्रभुपाद ने अकेले पूरे अमेरिका में सारे हिप्पीज को सुधार दिया, और आज श्रील प्रभुपाद के द्वारा निर्मित पूरे विश्व में 700 से भी अधिक मंदिर है। पूरे विश्व में, भारत छोड़ो, पाकिस्तान में ही 12 मंदिर है।
पाकिस्तान में बारह मंदिर बनवा दिए, बताओ कौन बनवाएगा? पाकिस्तान में बारह मंदिर बनवा दिए और कई हजारों छोटे छोटे केंद्र जहां पर राधा कृष्ण की पूजा होती है, भक्ति की जाती है, लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। भक्तों, आज यशल प्रपात की कृपा से वही मिशन आपके इस गांव में आया हुआ है और हमारा कर्तव्य है कि हम सपोर्ट करें। ध्यान रखिए, कोई हरिनाम का अनुमोदन भी करता है ना, केवल हाथ दिखा देता है ना, तो यमराज की हिम्मत नहीं होती उसे ले जाने की। लाइव घटना में बताता हूँ आपको, अमेरिका का एक व्यक्ति ऐसे, जैसे हम लोग आपके गांव में हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, ऐसे हरिनाम संकीर्तन निकाला और एक व्यक्ति कीर्तन नहीं किया, केवल हाथ दिखा दिया ऐसे करके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ऐसे ऐसे कर दिया, बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे कर दिया। कहते हैं कुछ दिन के बाद उसके आईसीयू में वह एडमिट हो गया, मरने वाला था, बूढ़ा था, आईसीयू में एडमिट हो गया और वह अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मैं मर गया, जीवित है भी वो, बोलता है कि मैं मर गया और मैं यमलोक गया, और जब यमलोक गया ना तो यम देवता बोलते हैं, अरे अरे इसको वापस भेज दो, इसने हरे कृष्ण कीर्तन वाले का अनुमोदन किया था, केवल हाथ दिखाया था। सोचो सोचो जरा, और हम बार 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 आपसे कह रहे हैं चलिए चलिए चलिए, दो दिन बचा है हमारे पास, कितना दिन बचा है? केवल दो दिन, कल और परसों, कल और परसों निर्णय लीजिए कि जितने लोग बैठे ना अभी सवेरे आएंगे ही आएंगे, बाद बाकी कार्य बाद में, बाद बाकी कार्य। एक बात बोलूं, थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन थोड़ा विचार करना, अगर आज रात को आपको कुछ हो गया तो कल सवेरे आपका कार्य कौन करेगा? थोड़ा जवाब दो। नहीं भगवान, अब ऐसा कुछ हो गया तो सब लोग बोलेंगे प्रभु जी बोले थे इसलिए हो गया। मैं जस्ट एज्यूम करने बोल रहा हूँ, अगर हो गया तो कौन करेगा? हाँ, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा यही विचार करके कि दो दिन के लिए सब कार्य खत्म, दो दिन के लिए केवल कृष्ण के लिए जीवन जीऊंगा आज से कल तक, अपना 24 घंटा इस कथा पंडाल में दे दीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने दे दिया ना, कृष्ण आपका स्वागत करेंगे एक दिन, है ना, कृष्ण स्वागत करेंगे। ध्यान रखिएगा, जरूर सभी भक्त लोग दीजिए, याद करिए वह वादा जो आप कृष्ण से करके आए हैं। याद है किसी को? याद है? नहीं याद है? चलो मैं याद दिलाता हूं, आप 7 महीने के थे, कितने महीने का? ओनली 7 मंथ्स। एवरीबॉडी सिंगल, एक एक व्यक्ति को बोल रहा हूं, आप 7 महीने के थे, उस समय आपने कृष्ण से वादा किया था, आज कृष्ण की कृपा से मैं आपको वह याद दिला रहा हूं। आपने कृष्ण को कहा था जब आप माता के गर्भ में थे ना, तब आपने कृष्ण को कहा था जब आप उस माता के गंदे गर्भ में थे, यहाँ पे मल मूत्र खून मांस इत्यादि रहता है, जब ऐसे जठर ऐसे जठर में थे ना, आप गर्भ में थे, तब आप रात दिन कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि प्रभु एक बार यहां से बाहर निकाल दो, जीवन भर आपका भजन करूंगा। याद रखना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र के वचन हैं। आपने 7 महीने में कृष्ण को वादा किया है, सबसे पहला वादा है जीवन में आपका, बाद बाकी पत्नी किया तो बाद में किया, बच्चे को तो बाद में किया, माता पिता को तो बाद में किया, सबसे पहला वादा आपने जीवन में किससे किया है? कृष्ण से, गारंटी के साथ लिख लो, अगर विश्वास ना, वकील साहब शायद वकील है ना, प्रभु से एक दिन बोल रहे थे, मेरे को लगा वकील ही है, है ना, एफिडेविट वाला कुछ पेपर होगा, एफिडेविट करा लेना, ठीक है, और जब जाओगे तो वहां देख लेना कि रूपानु प्रभु आए थे, बता रहे थे कृष्ण सच में हमने वादा किया था, वो बताएंगे। हाँ, आपने 7 महीने में वादा किया था कि कृष्ण हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम जाएंगे और केवल आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन भक्तों यहाँ आते ही माया में पड़ करके हम भूल गए,
आज कृष्ण की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, शास्त्र के माध्यम से, भागवत के माध्यम से आपको याद याद हो रहा है। याद करिए वह वादा और अपना जीवन अब तो कृष्ण को दीजिए, अब तो कृष्ण को दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गृहस्थी छोड़ दीजिए, कहाँ कह रहा हूँ, भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए। बहुत सुंदर, अब देखेंगे सभी भक्त लोगों को बिठा करके बहुत सुंदर मंगला आरती होती है, तुलसी आरती होती है और उसके बाद नाम जप कराया जाता है। क्या दिक्कत है? और नाम जप करने का कोई नियम नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति के लोग कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए ब्राह्मण होना पड़ेगा, नहीं, कोई भी व्यक्ति, अथवा प्रभु जी नहा के आना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है, बिना नहाए आ जाइए, खा करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइए जरूर सवेरे। केवल दो दिन बचा है भक्तों, मेरी ऐसी इच्छा है, पर्सनल मेरी चीज ऐसी इच्छा है कि जबरदस्त हरिनाम संकीर्तन निकले, जबरदस्त हरिनाम संकीर्तन निकले। कृपया आइए और हमें सपोर्ट करिए, केवल दो दिन मांग रहा हूं मैं आपसे। अगर आपने ये दो दिन दे दिया ना, ध्यान रखिएगा फिर कृष्ण आपको क्या देंगे ये मैं कह नहीं सकता। आइए हम लोग भागीरथी गंगा के तट पर चलें, जहां पर परम वीरत्व चूड़ामणि वैया सखी व्यास नंदन महाराज परिचित की सभा में आए हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के नित्य पार्षद हैं और इस संसार के गुरु हैं। भक्तों जब सुखदेव जी गोस्वामी महाराज परिचित महाराज की सभा में आए तो महाराज परिचित ने अनेकों प्रकार के प्रश्न किए। और उन्हीं जिज्ञासाओं में एक जिज्ञासा था कि महाराज धर्मात्मा महात्मा विदुर ने हस्तिनापुर को क्यों त्यागा। विदुर जी जो कि हस्तिनापुर के महामंत्री थे, उन्होंने क्यों त्यागा? इस संसार में एक छोटे से देश का मंत्री बनने के लिए कितना होड़ चलता है और उस मंत्री पद को त्याग देना बड़ा कष्टकारी है, तो विदुर जी ने हस्तिनापुर को क्यों त्यागा अपनी स्वेच्छा से? क्योंकि महाराज परिचित ने भी अपने घर को त्यागा है, विदुर जी भी ने अपने घर को त्यागा है। अब हम जानते हैं कि भाई मुझे जो बीमारी है वो फलाने व्यक्ति को भी बीमारी है, तो हमारी इच्छा होती है कि नहीं थोड़ा जाने क्या बीमारी है ताकि कुछ दवाई मिल जाए, तो क्यों त्यागा? परिचित ने अपने राज को त्यागा है, विदुर जी ने भी अपने राज को त्यागा है, इसलिए महाराज परिचित प्रश्न पूछते हैं कि महाराज विदुर ने क्यों त्यागा। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यदा तु राजा सवशु स्वसूत साधुन पुष्णन न धर्मे विनिष्ट दृष्टि भ्रातुर्य विष्टस्य शुतां विवन्धुं प्रव प्रवेश लक्षा भवने ददाहु। कहते हैं ये उन दिनों की बात है महाराज जब दुर्योधन अनेकों प्रकार के अनीति के द्वारा पांडवों को मारने का प्रयास किया, कभी लक्षागिरी में आग लगा करके, तो कभी भीम को जहर दे करके, मात्र राज्य के लोभ में दुर्योधन पांडवों को अनेक बार मारने का प्रयास किया। जब दुर्योधन इस प्रकार का पांडवों के ऊपर अत्याचार कर रहा था तो महाराज एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे महाराज क्षमा करिए, बिना निवेदन किए हुए बोल रहा हूं, परंतु क्या करूं, मैं आपका मंत्री हूं, मैं आपका मंत्री हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको मंत्रणा दूं।
इसलिए महाराज आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने पुत्र दुष्ट पुत्र को रोकिए। यदि आपका पुत्र दुर्योधन इसी प्रकार से अन्याय करता रहा ना, अधर्म करता रहा ना, तो एक दिन पूरे कुरु वंश का विनाश कर देगा, पूरे कुरु वंश का विनाश कर देगा। क्योंकि संसार में भक्तों का अपराध करना, भक्तों का अपमान करना बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। महाराज अपने पुत्र को रोकिए। विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत मनाया, बहुत कहा, परंतु नहीं बोले। परंतु भरी सभा में दुर्योधन बोलने लगा, दुर्योधन कहने लगा, सबके सामने खड़ा हो गया और बोलने लगा, कायेनम अत्र उपजहु जीवम दास्य सुतम यत बालिना एव पुष्टः। विदुर जी, तुम अपनी औकात में रहो, तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो, तुम भूल गए तुम एक दासी के पुत्र हो, दासस्य सुतः। दुर्योधन के द्वारा अपने चाचा को हस्तिनापुर के महामंत्री को ऐसा वचन कहना बहुत बड़ा अपमान है। बोले तुम दासी के पुत्र हो और दासी के पुत्र की तरह रहो, अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो। आज तुम मेरी बदनामी कर रहे हो, मेरे ही टुकड़े पे पड़ रहे हो और मेरी बदनामी। विदुर जी, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। इस प्रकार जब विदुर जी को खरा खोटा बोला गया ना भक्तों, अपमान किया गया। भक्तों, विदुर जी ने अपने नीति में लिखा है कि जिस सभा में हमारा अपमान हो रहा हो, अथवा भक्तों का अपमान हो रहा हो, वैष्णव का अपमान हो रहा हो, तुरंत उस सभा को छोड़कर चले जाना चाहिए। रामायण में भी वर्णन है, देवी सती कहते हैं, सुनहु सभासद सकल मुनि निंदा, कही सुनी जिन शंकर ही निंदा। शिव जी की पत्नी देवी सती का उद्गार कि संसार में जिस सभा में वैष्णव भक्त का अपमान हो रहा हो ना, यदि बस में हो तो अपमान करने वाले की जीवा खींच लीजिए, और अगर नाश कर सको तो सभा को छोड़कर चले जाना चाहिए। आज महात्मा विदुर पांडवों का अपमान सहन नहीं हुआ और देखा कि पिता तो आंखों से अंधा है ही, क्षमा चाहूंगा, देखा कि पिता आंखों से अंधा तो है ही और बुद्धि से भी अंधा हो गया है। अब अगर इस राज्य में रहा तो हमारा पतन हो जाएगा। तुरंत विदुर जी हस्तिनापुर को त्याग दिए, धनुष्वान रख दिए और चल दिए। परंतु भक्तों, विदुर जी ने हस्तिनापुर को क्या त्यागा? हस्तिनापुर में रहने वाले भाग्य, हस्तिनापुर में रहने वाले लोगों के भाग्य फूट गए, हीन हो गए। जैसे ही भक्त का अपमान होता है ना किसी राज्य में, किसी सभा में, साधुओं का अपमान होता है, वह सभा बर्बाद हो जाती है। जिस सभा में महादेव का अपमान किया था ना दक्ष ने, सारे लोग बर्बाद हो गए, एक एक गिन गिन करके वीरभद्र ने बदला लिया था। कहते हैं कि अगर महात्मा धर्मात्मा विदुर कौरवों के साथ रहते तो भगवान कभी कौरवों को मरने नहीं देते, कभी नहीं मरने देते। परंतु जिस समय किसी वैष्णव को किसी सभा में अपमान होता है, वह वैष्णव सभा को छोड़कर चला जाता है, तो सभा का पतन होना शुरू हो जाता है। कहते हैं रावण कभी नहीं मरता, रावण कभी नहीं मरता अगर वह विभीषण को नहीं ठुकराता, विभीषण को लात नहीं मारा होता ना, तो भगवान राम कभी भी रावण को नहीं मारते, मारते ही नहीं। लेकिन जिस दिन से रावण ने विभीषण को लात मार दिया ना, उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई।
भक्त जीवन में कभी भी ना किसी भक्त का अपमान नहीं करिएगा, कभी वैष्णव का अपमान नहीं करिएगा। तो विदुर जी हसीनाथपुर को छोड़कर के निकले हैं, और वास्तव में कई दिनों से इच्छा थी विदुर जी की कि अब कितना दिन घर में पड़ा रहूंगा, अब तो बूढ़ा हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं विदुर जी की इच्छा थी कि अरे बचपन से तो यही नाती पोता खेती बारी इसी सब में लगा हूं, अब कितना दिन यही सब चीजों में लगूंगा, अब थोड़ा आराम होना चाहिए, सीखना चाहिए भक्तों में, इन भक्तों से। तो विदुर जी की तीर्थाटन करने की इच्छा हुई और निकल गए कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम
हुए विदुर जी अनेकों तीर्थों का भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। रे मन चल वृंदावन चलियो, हे मन चल वृंदावन चलियो, रे मन चल वृंदावन चलियो, मन से सब वृंदावन चलिए, हे मन चल वृंदावन चलियो, रे मन चल वृंदावन चलियो। विचरण करते हुए विचरण करते हुए से विचरण करते हुए विदुर जी वृंदावन पहुंचे। कहां पहुंचे? वृंदावन धाम के। आप लोग गए? कौन लोग गया यहां से वृंदावन? वृंदावन यहां से कौन लोग गया? कोई एक व्यक्ति बस, दो व्यक्ति। चलो हम लोग कार्तिक में जाने वाले हैं, है ना? गेट रेडी, यहाँ देवघर से चलेंगे। आप लोग देवघर पहुंच जाना, फिर देवघर से हम लोग चलेंगे, ठीक है? जो लोग जाना चाहते हमारे अभिषेक प्रभु से कांटेक्ट करिएगा। पहचानते हैं ना इनको? छोटे से हैं लेकिन बहुत मोटे हैं, मतलब काम के। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही स्थिति है। तो इनसे कांटेक्ट करिए, ये आपको वृंदावन ले जाएंगे। बहुत अद्भुत धाम है। तो ऐसे वृंदावन में जाकर के विदुर जी का मिलन किनसे हुआ? उद्धव जी से हुआ। और उद्धव जी कौन है? बृहस्पति जी के शिष्य और कृष्ण सखा, कृष्ण के बहुत करीबी मित्र। और उद्धव विदुर जी जब उद्धव जी से मिले तो भगवान कृष्ण के बारे में पूछा, बताइए कृष्ण कैसे हैं? अनेकों अध्याय में उद्धव जी के विदुर जी ने विदुर जी से भगवान की कथा सुनाया। इस प्रकार का मिलन हुआ। और मिलन होने के बाद उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, अब भगवान इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके अपने धाम को चला गया है, परंतु हे विदुर जी, जब भगवान अपने धाम को वापस जा रहे थे तो आपको याद कर रहे थे। विदुर जी ने कहा, मुझे याद कर रहे थे, मुझे याद कर रहे थे। कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे भगवान ही आपको याद करे। कुछ ऐसा कार्य करिए, वह कार्य क्या है? भगवान का नाम। एक एक व्यक्ति का नाम भगवान नोट करते हैं, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जप करने का जो निर्णय लेता है ना,
उसका नाम भगवान डायरी में नोट कर लेते हैं। हम लोग परसों जो लोग नाम जप करना चाहते हैं ना, आप लोग नोट करा दीजिए अपना नाम, ठीक है? संकल्प लीजिए। देखिए दीक्षा नहीं दे रहा हूँ, दीक्षा मैं दे भी नहीं सकता आपको। और अन्य कथाओं में होते हैं कि बाबा जी आते हैं, कथा करते हैं और हजारों शिष्य बना करके चल जाते हैं। हम लोग शिष्य बनाने यहाँ नहीं आए हैं और ना आपको दीक्षा देने आए हैं, हम दीक्षा नहीं दे सकते। हम एक डॉक मतलब अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग पैरासिटामोल का नाम सुने हैं? किस चीज के लिए यूज होता है? हाँ, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा हुआ होगा जिसने दूसरों को सजेस्ट नहीं किया होगा कि भाई तेरे को बुखार है तो तू पैरासिटामोल खा ले। किया है ना? सबने किया है कि नहीं बताओ, किया है कि नहीं किया? वैसे ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई तू भी बीमार है, मैं भी बीमार था, मैं भी बीमार था, लेकिन मैंने हरिनाम रूपी पैरासिटामोल खा लिया और मेरी बीमारी ठीक हो गई है, भाई तुम भी खा लो। और कुछ नहीं, मैं गुरु नहीं हूं, है ना, आपके मित्र की तरह, जो बड़े हैं उनके पुत्र के समान, जो बराबर है उनके भाई के समान, और जो छोटे हैं उनके गार्जियन के समान। जैसे दवाई खाया, डॉक्टर तो थे नहीं आप, डॉक्टर तो थे नहीं, लेकिन बोल दिया ना बाजू वाले को कि भाई पैरासिटामोल खा ले तो ठीक हो जाएगा। कोई सर्टिफिकेशन चाहिए रहा, एमबीबीएस किया नहीं किया, फिर भी दे दिया। वैसे ही हमने जब किया और हम जिस बीमारी से ग्रसित थे उस बीमारी से मुक्ति मिल गई, तो अब हम अपना एक्सपीरियंस से आपको बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, आप भी उस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। हरे कृष्ण। इसलिए सभी लोग जरूर जप करिए। भक्तों ने बहुत सुंदर वृंदावन से माला मंगवाया है, लोकल नहीं, कहां से मंगवाया? वृंदावन से, ठीक है? जब करिए, ओके? तो जो लोग नाम जब करना चाहते हैं, या तो आपके गांव की जो सोनाक्षी है, आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं कि खड़ा करो इनको, जानते हैं ना, मंटू प्रभु की बेटी है, अथवा मंटू प्रभु को भी अपना नाम लिखा दीजिए, जरूर लीजिए माला। जब माला का बहुत ज्यादा कीमत भी नहीं है। और जो लोग नहीं ले पाए, जैसे दवाई जिसके पास जो नहीं खरीद पाता है उसको फ्री में दे देते ना, उसको मैं फ्री में दे दूंगा अपने तरफ से, लेकिन नाम जप जरूर करो, ठीक है? जरूर नाम जप करो, ये दवाई है, मैं आपको दीक्षा नहीं दे रहा। ये माला कोई तुलसी की माला नहीं है, है ना, साधारण माला है, केवल जप करो। बस बस महत्व इतना है कि यह वृंदावन धाम से आया है ना, इसलिए जप करिए। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मुझे याद कर रहे थे? बोले हाँ, याद कर रहे थे। बोले भगवान कृष्ण मुझे याद कर रहे थे जब जा रहे थे, लाखों लाख जीवों को छोड़ करके मुझे? उद्धव जी ने कहा, उन्होंने मैत्रेय मुनि को भागवत का ज्ञान दिया। किनको? किनको? मुझे और मैत्रेय मुनि को। और हे विदुर जी, मैत्रेय मुनि को कहा कि हे मैत्रेय जी, जब हमारा प्रिय भक्त विदुर आए ना, तो आप उसे ये भागवत सुना देना, जिससे जो उसे दुख होगी ना मेरे विरह में, वह दुख मिट जाएगा। विदुर जी मचल गए भागवत सुनने के लिए, भक्त एकदम मचल गए। और हम है कि हमको घर से बार बार खींच खींच कर बुलाया जाता है, फिर भी कथा शुरू होने के एक घंटा बाद आते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों है? दुख दुखी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, बताइए? दुख नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? आज पांचवा दिन है भक्तों, इतना बड़ा पंडाल बना लेकिन पंडाल नहीं भरा। और गांव में लोगों की कमी नहीं है, देखता हूं लोग करते रहते हैं दिन भर बैठ के, और नहीं तो महुआ बिछते, लेकिन कथा में नहीं आता। तो मैत्रेय मुनि हरिद्वार में गंगा बोले कि आपको मैत्रेय मुनि हरिद्वार जाइए, वहां आपको गंगा के तट पर मिलेंगे। कहां बोले? वृंदावन में। और विदुर जी वहां से चल दिए हरिद्वार के लिए। और हमारा 1-2 किलोमीटर का गांव और ये कथा पंडाल, लेकिन आ नहीं पाते, क्या दुख है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसे लोगों के दुर्भाग्य की, कल्पना भी नहीं कर सकता।
और मैं ये भी कल्पना नहीं कर सकता उन लोगों के सौभाग्य की जो इस कथा पंडाल में बैठे हैं। देखिए आज माता जी भागलपुर से चल के आई, कितना किलोमीटर पड़ गया, 150-200 तो पड़ेगा, 200 किलोमीटर पड़ गया, यहाँ 200 मीटर से नहीं आ रहे। चल तो मैत्रेय मुनि के तो वहां पर हरिद्वार में गए और भागीरथी गंगा के तट पर वहां उनका मिलन मैत्रेय मुनि से हुआ। भक्तों विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं और समझो धर्मराज यमराज जी के अवतार हैं और मैत्रेय ऋषि पराशर जी के शिष्य हैं। पराशर ऋषि कौन है? वेद व्यास जी के पिता, है ना? वेद व्यास जी के माता पिता का नाम क्या है? पराशर और देवी सत्यवती। तो उस समय विदुर जी जाकर के मैत्रेय मुनि से मिले और उनको जिज्ञासा की। जिज्ञासा करते हुए विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि आप मुझे बताइए कि भगवान के द्वारा जब इस जगत का निर्माण हुआ, भगवान ने अपने दृष्टि से अपने आंखों के इशारे से जब इस बहिरंगा शक्ति माया को प्रकट किया और माया के तीन गुण हैं कौन कौन से? सत्व रजो और तम। जब प्रकट हुए तो तीनों गुणों के द्वारा ये भौतिक प्रकृति का निर्माण हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने इस संसार का निर्माण तो कर दिया परंतु निर्माण करने के बाद प्रजा की उत्पत्ति कैसे? भक्तों ये भागवत का विषय है। भागवत में 10 विषय हैं। कितने विषय? 10 विषय हैं। 10 तत्वों का वर्णन किया गया। कहते हैं यत्र सर्ग विसर्गश्च अस्थान पोषणम भूतयः मन्वन्तरे ईशानु काथा निरोधो मुक्तियाश्रय। 10 तत्वों का वर्णन भागवत में हुआ। प्रथम सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि। दूसरा तत्व विसर्ग, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि। तीसरा है अस्थान, इस ब्रह्मांड में कौन सा स्थान किस जगह पे है, कौन सा जीव किस स्थान में रहते हैं उसका भागवत के दूसरे स्कंध में इसका वर्णन है। तीसरे और चौथे विसर्ग का वर्णन है, है ना? भागवत के पांचवें स्कंध में स्थानम तत्व का वर्णन है और छठा पोषण, श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध में पोषण तत्व का वर्णन हुआ है। इसे सुन करके आत्मा का पोषण होता है। दिन में तीन बार, चार बार, पांच बार ठूस ठूस कर खा खा कर अपना शरीर का हम पोषण तो कर लेते हैं लेकिन आत्मा का पोषण उससे नहीं होता है। उसका पोषण कहां से होता है? यह छठे अध्याय में बताया गया। सातवां उतया, उतया मतलब कर्म वासना, है ना? श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंध में उती तत्व का अंतर्गत इस संसार में कौन जीव कैसे कर्म करते हैं और सभी जीव को अपने अपने कर्म का फल मिलता है, इस तत्व का वर्णन भागवत के सातवें स्कंध में हुआ। और यहीं पर प्रहलाद महाराज की कथा आती है। आठवां भागवत के आठवें स्कंध में मन्वंतर की कथा का वर्णन किया गया है, यहाँ पर गजेंद्र, समुद्र मंथन, भगवान वामन, मत्स्य अवतार की कथा इत्यादि आती है। तीसरे स्थानम तत्व के अंतर्गत नर्क लोक का वर्णन है। पोषण तत्व के अंतर्गत अजामिल कथा का वर्णन, वित्रासुर की कथा का वर्णन, मरुदगण का वर्णन। नवम स्कंद में ईशानु ग्रह, ईशानु अनुग्रह। हमारे इतिहास में सोमवंश, सूर्यवंश में अनेकों राजा हुए, उन राजा के ऊपर भगवान की कृपा किस प्रकार से हुई उसका वर्णन। निरोध हो मुक्ति आश्रय, इस प्रकार से 10 तत्व का वर्णन। तो भागवत में ये बहुत सुंदर विषय है किस प्रकार से प्रजा की उत्पत्ति हुई। ये अगला विषय है। तब ये जब ये जिज्ञासा हुई कि विदुर जी ने किया कि भक्तों मैत्रेय मुनि उत्तर देते हैं भगवान नारायण। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर कहेंगे प्रभु जी थोड़ा अच्छे से व्याख्या करिए। व्याख्या तो मैं सही से कर रहा हूं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे, समझिए इसको। निरोधो मुक्ति आश्रय, भगवान नारायण जो कारण समुद्र में विहार करते हैं, कहां? कारण समुद्र में।
और कारण समुद्र में विहार करने के कारण भगवान विष्णु का एक नाम है कर्णोदक शाही विष्णु, कर्णोदक शाही विष्णु, कारण समुद्र में शयन करने वाले भगवान है ना। और जब कारण समुद्र में शयन करने वाले भगवान विष्णु सांस छोड़ते हैं तो उनके सांस से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। आप विचार करो, भगवान विष्णु के सांस से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इस पृथ्वी के मतलब अरबों इस प्रकार की पृथ्वियां उत्पन्न होती हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि प्रभु भगवान कितने बड़े होंगे, हमारे जैसे होंगे? नहीं भक्तों, भगवान विभू हैं, विशाल है। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया अचिंत है, हम सोच भी नहीं सकते, हमारे बुद्धि में भी नहीं सोच सकते, अचिंत भेद। फिर भी श्रद्धा हो, प्रेम हो, अनन्यासिन्तो चिंतयन्तो मां, ये जना प्रियुपासते। अगर कोई बढ़िया से भगवान का चिंतन करता है तो थोड़ा बहुत भगवान को जान सकता है। आइए, भगवान कितने महान है ना, इसका एक झलक मैं आपको छोटा सा दे दूं। भगवान को यदि पहचान जाए ना, भगवान तो अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, परंतु भगवान और हमारे बीच में जो कनेक्शन करने वाला है ना, वह है समय। क्या समय? काल, टाइम। समय के द्वारा हमारा और भगवान का संबंध कनेक्शन होता है। इसीलिए भगवान को काल के माध्यम से थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, आप लोग भी हिसाब कर सकते हैं। एक पेपर रख लीजिए, कलम रखिए, या फिर मोबाइल में भी कैलकुलेटर निकाल लीजिए। इस संसार में जब 60 सेकंड बीतता है तो क्या होता है? एक मिनट, 60 मिनट में एक घंटा, और 12 घंटा में आधा आधा। और जब 12 घंटा बीतता है, 24 घंटा बीतता है तो एक दिन। और जब ऐसे 30 दिन बीते हैं तो क्या होते हैं? एक महीना। एक महीना। और ऐसे 12 महीने बीतने पर एक साल। एक साल। तो ऐसे जब 4,32,000 वर्ष बीतते हैं ना तो कलयुग की अवधि समाप्त होती है। कितना? 4,32,000। कितना? 4,32,000 वर्ष। ध्यान पूर्वक सुनिए, ये पीपी कौन कर रहा है, बंद करो उसको। 4,32,000 वर्ष, ये हो गई किसकी? कलयुग की। अभी कुछ 5,000 समथिंग कुछ चल रहा है, है ना। अब कलयुग से पहले क्या था? द्वापर। द्वापर का ये कितना? 8,64,000। कितना? इसी प्रकार से त्रेता डबल करिए तो मिलेगा 12,96,000, और सतयुग का 17,28,000, है ना। नोट कर लिया? दिमाग फेल हो जाएगा। एक बार मैं ऐसे लैपटॉप लेकर के बैठा, हिसाब करने लगा एक्सेल में, हिसाब करने लगा, लास्ट में मेरा एक्सेल फेल होने लगा, बोले छोड़ दो, रहने दो। तो जब ये चारों युगों को मिला देवे हैं तो एक चतुर्युग बनता है। जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों एक बार बीत जाता है ना तो एक चतुर्युग बनता है। क्या बनता है? चतुर्युग। जैसे 12 महीने बीत गए तो क्या हुआ? एक साल। वैसे ही जब ये चारों युग बीत जाता है तब बनता है एक एक चतुर्युग। अब चतुर्युग का कितना साल हो गया? 43,20,000 वर्ष। और जब ऐसे 1,000 चतुर्युग, कितना? 1,000 चतुर्युग बीतते हैं ना तब ब्रह्मा जी के 12 घंटा समाप्त होता है। कितना समाप्त होता है? 12 घंटा। और उतना ही बड़ा ब्रह्मा जी का रात 12 घंटा का। अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो इस पृथ्वी पर जब 8,64,000,000 वर्ष बीतता है ना, 8,64,000,000 वर्ष, तब ब्रह्मा जी का 24 घंटा समाप्त होता है। और ऐसे ब्रह्मा
ऐसे ब्रह्मा जी का फिर वही 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक साल, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। कितने साल तक? 100 साल तक। अब विचार कीजिए ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी होगी। हम तो सांस, मतलब ब्रह्मा जी सांस लेते होंगे तब तक तो हजारों लोग मर के चल जाते होंगे। इसका कथा भी है, अगर आप देखें तो रेवत देश के राजा, उनकी पुत्री हुई रेवती, उनका विवाह, उनके लायक लड़का नहीं मिल रहा था। बोले अरे चलो अभी जाल चलता हूँ, जाके ब्रह्मा जी से पूछ लेता हूँ, पिताजी है मेरे। उठाया, उठा रथ, उठाया जाल, चल गया ब्रह्मा जी के लोक में। ब्रह्मा जी कीर्तन कर रहे थे, थोड़ा सा कीर्तन समाप्त हुआ तो पूछा, पिताजी आपने मेरी बेटी के लिए किसको चुना है? बोला अरे तेरी बेटी के लिए जिसको चुना था वो तो आ गया वापिस, समय बीत गया, अब पृथ्वी पे जल्दी जा, कृष्ण के भाई बलराम जी हैं, उनसे विवाह करा दे। तो बलराम जी से विवाह करा दिया। अब ये सतयुग की घटना थी, आ चुका था द्वापर युग। तो सतयुग का आदमी जो होता था द्वापर युग से अधिक लंबा होता था। तो रेवती जो थी, रेवत देश के राजा की पुत्री, वो बहुत लंबी थी, और बलराम जी जो है बहुत छोटे होते थे। अब कभी पार्टी में जाते होंगे तो कहते होंगे देखो कैसे कपल है। बलराम जी को बात करने के लिए ऐसे करना पड़ता होगा, बोलो, मान लो कभी फूल देना हो, लो, या फिर सीढ़ी लगाना पड़ता हो, पता नहीं। तो एक दिन बलराम जी की सटक गई, हल निकाला, कंधे पे लगाया, खींचा, छोटा कर दिया। तो ये ब्रह्मा भगवान की महानता है। और जब ये तो ब्रह्मा जी तक ही पहुंचे, और जब ब्रह्मा जी का 100 साल समाप्त होता है ना, तब हमारे भगवान करते हैं ब्रह्मा जी का 100 साल समाप्त। भगवान का 1 सेकेंड और ब्रह्मा जी का 100 साल, और हमारा तो कोई तुलना ही नहीं है जी, कोई तुलना नहीं। तब विचार कीजिए भगवान विष्णु के एक सांस के सामने ब्रह्मा जी के 100 साल, तुम्हारी क्या गणना, कुछ भी नहीं। फिर भी संसार के कुछ मूर्ख लोग कहते रहते हैं यहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान शिव, मूर्ख हम ईश्वर, ईश्वर का कहां ईश्वर, और कहां इस संसार का कुछ प्राण। भगवान परमात्मा है, विभू है, और हम अणु हैं। भगवान स्वतंत्र है, आत्मा परतंत्र है। भगवान को किसी भी कार्य का बंधन नहीं लगता, हमें अनेकों बंधन लगते हैं। फिर भी जो गुण भगवान में है वही गुण आत्मा में भी हैं, क्योंकि जैसे समुद्र में अथाह मात्रा में जल होता है, होता है ना, लेकिन समुद्र से अगर आप एक लोटा जल निकाल ले तो गुण तो वही रहेगा ना, नमकीन तो है ही, लेकिन अब समुद्र में बड़े बड़े जहाज को तैरा सकते हैं, उस लोटे में तैरा पाएंगे? नहीं तैरा पाएगा, वही होता है, वही समुद्र। उसी प्रकार परमात्मा समुद्र है और आत्मा एक ड्रॉप। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर व्यक्ति परमात्मा तो नहीं बन सकता है, लेकिन अगर वह कृष्ण की भक्ति करता है, भजन करता है, तो वह महात्मा जरूर बन सकता है। तो जब और जब ऐसे भगवान विष्णु श्वास छोड़ते हैं, कर्णोदक साई विष्णु जब सांस छोड़ते हैं, तो अपने रोम कूट से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, और उस प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक विष्णु प्रकट होते हैं, जिनका नाम है गर्वोदक साई विष्णु, है ना, ना? क्योंकि उसे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्वोदक सागर होता है, और उसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ गर्वोदक शाही विष्णु। और गर्वोदक शाही विष्णु से नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है, और उसी कमल की दंडी में 14 लोक होते हैं। कितने लोक? 14 लोक। नोट करना है क्या? तो उसमें जो ब्रह्म लोक है ना, वो मिडिल वाला हिस्सा है, बीच बीच में है ना, और सबसे बीच में है चौथा। ऊपर का जो लोक होता है वह है ब्रह्म लोक, जो कमल का फूल है जिसपे ब्रह्मा जी विराजते हैं, और मिडिल वाला जो लोक है वह है पृथ्वी लोक।
ठीक है, पृथ्वी लोक के नीचे है अतल, विदल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल, महाताल इत्यादि, और पृथ्वी के ऊपर कौन से हैं? जन लोक, महर लोक, तप लोक, सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक, है ना, पितृ लोक, स्वर्ग लोक इत्यादि, इस प्रकार से या है। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये चौदह लोग, वो जो कमल की डंडी निकलती है ना उसमें फिट रहते हैं, कोई इधर उधर घूम नहीं सकता। और जब भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ तो उसमें ब्रह्मा जी थे, है ना, जिनका नाम हुआ पहला नाम हिरण्यगर्भ, इस संसार का प्रथम जीव। प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी, जिनका नाम हिरण्यगर्भ। और जब हुआ 100 साल तक तपस्या करते हैं ना, जब वो प्रकट होते हैं तब तो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि चारों ओर उसे पानी ही पानी दिखता है, और तब उन्हें देखते हैं अगर बूंद पानी की बूंद ऊपर से टपके जल में तो क्या करता है? टप 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 करता है ना। तो ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा तप तप तप, तब वह तपस्या करने लगे, और जब 100 साल तक तपस्या की तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने फिर अनेकों श्लोकों से स्तुति की, और स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने हिरण्यगर्भ को समस्त वेदों को ज्ञान दिया। और जब वह वेदों के ज्ञान को धारण करते ना, तब उन्हें कहा जाता है ब्रह्मा जी। माता जी सवेरा हो गया, हरि बोल, सवेरा हो गया, हरि बोल। माता जी झाड़ू नहीं मारना है घर में, उठ जाओ, टूट गया नींद, पानी पिलाओ माता जी। पांव सीधा करके बैठिए, सीधा करके बैठिए, तब नींद नहीं आएगी। अच्छा है, सोना नहीं चाहिए कथाओं में, सोना नहीं चाहिए। माता जी को पिला, मेरे को नहीं, माता जी को पिला, मेरे पास तो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कहते हैं क्योंकि वेदों को ब्रह्म कहा जाता है और भगवान की सांस है वेद, और जब ब्रह्मा जी उसको धारण करते हैं हिरण्यगर्भ, तो उनका नाम होता है ब्रह्मा। अर्थात ब्रह्मा मतलब वेदों का, वेदों को धारण करने वाला ब्रह्मा। तब फिर भगवान ने आदेश दिया कि ब्रह्मा जी अब आप एक काम करो, अब जो है सो आप मतलब प्रजा की उत्पत्ति करना शुरू करो, जैसा शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, उस प्रकार से उत्पत्ति शुरू करो। तो ब्रह्मा जी भगवान से आदेश पा करके उत्पत्ति करना शुरू किए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने चार पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब जब इनको प्रकट किया तो इनको कहा कि तुम प्रजा की उत्पत्ति करो। अब ये तो भगवान के भगत थे, जैसे ही निकले बोले अमृत छाड़े बीस मांगी आमी यही बड़ो मूर्ख, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं विवाह करूंगा, क्योंकि जो विवाह कर लेते हो तो फिर छोड़िए अभी क्या बताना, सब लोग विवाहित हैं, वही फिर हो जाती है स्थिति मूर्खों वाली, अपनी बुद्धि चलती कहाँ है। तो चलती है क्या? नहीं चलती, चलती है, बोल रहे आप लोग बाबा भी एक्सपीरियंस दे सकते हैं, लोग बोलेंगे कहाँ चला हमारा, हम तो बुढ़ा गए बोलते बोलते, नहीं चला अभी तक, नहीं चलती है। तो भक्तों जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि प्रजा की सृष्टि करो, बोले ना ना हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे। तो ये आज भी ब्रह्मचारी है, वो छोटे छोटे बालक के रूप में ही है ना। तो जब इस प्रकार से आदेश नहीं माना तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया लेकिन क्रोध को दबाना चाहा तो उनकी जो भ्रिकुटी है ना ये दब गई, तो उनके भ्रिकुटी दबने से सिकुड़ जाने से एक रोता हुआ लील रोहित बालक प्रकट हुआ, है ना, जो रुद्र कहलाए, है ना।
तब ब्रह्मा ने अपने मृदुवाणी से कहा कि हे देवों में प्रधान रुद्र महादेव, देवों के देव महादेव, हे रुद्र, हे शिव, आप एक काम करो, आप प्रजा की सृष्टि करो। भगवान की आज्ञा है कि आप सृष्टि करो। ठीक है, अब सृष्टि करने लगे। अब भोलेनाथ समझे, ठहरे, तमोगुण के देवता, उनकी सृष्टि भी तमोगुणी होने लगी। भूत, पिशाच, सांप, बिच्छू, सब रुद्रगण उत्पन्न करने लगे। अब इतने खतरनाक उत्पत्ति करने लगे कि ये सभी लोग जा करके ब्रह्मा जी का ही गला दबाने लगा। तब भी भोलेनाथ को बुला, बोले रुको रुको, आप मत करो सृष्टि, आप छोड़ दो, आप समय आने पर प्रलय करना सृष्टि में करता हूँ, रुक जाओ। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को जन्म दिया। मस्तिष्क से नारद जी उत्पन्न हुए, श्वास से वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए, कान से पुलत से, मुख से अंगिरा, आंख से अत्रि, मन से मरीचि, नाभि से पुला, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, अंगूठे से दक्ष। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बिना किसी का सहारा लिए 10 पुत्रों का प्रकट किया। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने देखा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सृष्टि नहीं हो पा रही, जनसंख्या अभी भी अपर्याप्त है। जब इस प्रकार से विचार कर रहे थे तब उनके शरीर से दो अन्य रूप में उत्पन्न हुए। इस सृष्टि में मनुष्य की उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी से दो अन्य रूप अपने दाएं अंग से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया और बाएं अंग से शत्रुपा, है ना। ब्रह्मा जी अपने शरीर से एक पुत्र और एक कन्या को उत्पन्न किए जिसका नाम था मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु। तब मनु और शत्रुपा को प्राकट हुआ और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब जाइए और पृथ्वी लोक पर जा करके मनुष्य की मैथुनी सृष्टि के द्वारा आप सृष्टि प्रारंभ करो। तुम अपनी पत्नी के गर्भ से संतान उत्पत्ति करो। मनु महाराज और शत्रुपा दोनों इस पृथ्वी पर आए। अब उतरे तो देखा कि ब्रह्मांड के सभी लोग अपने अपने स्थान पर थे, परंतु ये पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी। पृथ्वी को कोई कहीं लेकर के चला गया। मनु महाराज और देवी शत्रुपा वापस ब्रह्मलोक में गए और कहे कि पिताजी, हम आपकी आज्ञा से पृथ्वी लोक पर तो गए, लेकिन वहां पर पृथ्वी अपने स्थान पर थी। भक्तों, ये बात यह हुई कि दीति के दो पुत्र हुए और दोनों असुर थे। बड़ा का नाम था हिरण्याक्ष और छोटा का नाम था हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष ने सोचा आगे चल करके आगे चल करके देवताओं के साथ युद्ध करना है और देवताओं की शक्ति बढ़ती है किससे? यज्ञ करने से, है ना। यज्ञ देवताओं का भोजन है, देवताओं की शक्ति बढ़ती है यज्ञ से। और यज्ञ करने वाले मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत सारे यज्ञ करते हैं, तो मनुष्य लोग इस पृथ्वी पर यज्ञ इस पृथ्वी पर आए और आकर के यज्ञ करें, उससे पहले मैं पृथ्वी को छुपा दूंगा, ना रहेगी बांस, नहीं बजेगा बांसुरी। इसलिए हिरण्याक्ष देवी पृथ्वी को छुपा, और दूसरी ओर मनु और शत्रुपा वापिस ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के मन में बड़ी चिंता, भक्तों इस संसार में सबके मन में चिंता होती है, जो भक्ति करता है उसके मन में भी और जो भक्ति नहीं करता है उसके मन में भी। लेकिन जो अभक्त होते हैं ना, जब चिंता करते हैं तो बड़ा दुखी होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जब उनको चिंता होती है तो वह दुखी नहीं होता, वह भगवान का चिंतन करता है। भक्तों, ये चिंता बड़ी बुरी चीज है, बड़ी बुरी चीज है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, चिंता और चिता। अब देखें कि दोनों एक ही जैसा शब्द है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल अनुस्कार मात्र का अंतर है। और काम भी देखिए दोनों का एक ही है, चिंता भी जलाती है और चिता भी जलाती है। चिंता चिता अपि ग्रसति, परंतु चिता जो है भक्तों मरने के बाद जलाता है और चिता चिंता मरने से पहले ही दिल दिल करके जला देती है। सबके जीवन में चिंता होती है, लेकिन इस चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत है। क्या किए? जब भक्त को चिंता होती है, जब ब्रह्मा जी को चिंता होती है कि पृथ्वी को कौन लेकर के चले गए, तब वो भगवान का कीर्तन करने लगते हैं।
ब्रह्मा जी को भगवान का भगवान प्रार्थना करने लगे भगवान को। और जब 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 ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया तो भगवान का दिव्य अवतार प्रकट हुआ। आइए हम भी ब्रह्मा जी के साथ भगवान का चिंतन करें और भगवान का दिव्य अवतार आज इस गांव में प्रकट कराते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सब लोग भगवान का चिंतन करिए। हरे आज हम सब लोग चिंता से ग्रसित हैं। हरे राम उस चिंता से अगर मुक्त होना है कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा रहो हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार ब्रह्मा जी समेत सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। लेकिन जब तक बैठे बैठे स्तुति किए ना वक्त तो भगवान प्रकट नहीं हुए। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान आज इस गांव में प्रकट होवे राधे तो दो मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होना पड़ेगा और भगवान को स्तुति करना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान की स्तुति करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
hare ram 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 hare 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 krishna 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 hare 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 ram 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 hare 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 krishna 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 hare 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 ram 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 hare 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 krishna hare krishna hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare hare naaste hue hare ram hare ram are tum log piche khade ho aage aao hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna 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 hare 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 ram 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 hare hare lekin jab tak aise sharmate rahe na devi devta bhagwan prakat hi nahi hue main kya karu agar aap log sharmayenge to bhagwan ka prakat hona to dur baat hi aawaz wahan tak jayegi bhi nahi अगर भगवान को प्रकट करना चाहते ना तो खुल करके नाचना पड़ेगा प्रकट करना है कि नहीं करना है क्या करना है बताओ नाचना है नाचेंगे तो प्रकट होंगे नहीं तो फिर नहीं होंगे क्या करना है आज मेरे अंगना में आओ नंदला आज मेरे अंगना में आओ नंदला अंगना में आओ नंदलाल आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ अंगना में आओ मेरे माखन अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ मीठी 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 बतिया सुनाओ नंदलाल आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल मीठे मीठे बतिया सुनाओ आएंगे आएंगे आज मेरे अंगना में आओ वहां बैठेंगे तो कैसे आएंगे पिताजी को लेके आइए खड़े नहीं हो पाएंगे अरे सब लोग नाचिए शर्मा क्यों रहे हैं लड़के शर्माते क्या नाचो हरी हरी आगे आ जाओ बुजुर्गों के पीछे छुप रहे हैं लोग स्वागत करिए इनका आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आज मेरे पकड़ लीजिए आओ नंदलाल आज मेरे अंगना में 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 आओ नंदलाल अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ
खाओ राम आओ मेरे माखन खाओ मीठी 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 बतिया सुनाओ नंदलाल लाज मेरे अंगना पे आओ नंदलाल मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल आज मेरे अंगना पे आओ नंदलाल आज मेरे अंगना पे आओ नंदलाल आज मेरे अंगना पे आओ नंदलाल आओ मेरे अंगना पे आओ नंदलाल आज मेरे कथा समाप्त नहीं हुई है जाना नहीं हरे कृष्णा सभी लोग बैठ गए जगह बुकिंग हो गया अलग अलग इस प्रकार समस्त देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए हमें पता है बहुत उत्साहित हो रहे हैं धीरे धीरे करके उत्साह आ रही है लोहा गर्म हो रहा है पानी गर्म हो रहा है उबल रहा है धीरे धीरे करके उबलेंगे आप लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare इस प्रकार ब्रह्मा समेत सभी देवी देवता भगवान का स्मरण करते हुए स्मरण करते हुए भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त करते इस संसार में जब जब भक्त भगवान को पुकारते हैं तब तब भगवान अवतार तब तब भगवान अवतार धारण करके अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं रक्षा ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया नाम लिया तुरंत ब्रह्मा जी को छींक और छींक आने से ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगुष्ठ जितना बड़ा छिद्र प्रकट हुआ वो छिद्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा धीरे धीरे वह छिद्र विशाल रूप धारण पहले हाथी जैसा विशाल हुआ धीरे धीरे पर्वत जैसा बनने लगा और ब्रह्मा समेत सभी देवी देवता समझ गए कि साक्षात भगवान विष्णु बड़ा अवतार धारण कर
धीरे धीरे भगवान मेरा आकाश को छूने लगे और ब्रह्मा समेत सभी देवी देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ब्रह्मा जी के नाम से भगवान वराह प्रकट हुए। अनेक दिव्य मंत्रों से ब्रह्मा जी समेत समस्त देवी देवता भगवान की स्तुति करते और उस समय भगवान वराह गर्जना करने लगे। भगवान वराह की गर्जना से ये तीनों लोग कांपने लगे और उस समय भगवान वराह जैसे ही अपनी पूंछ पकड़ करके आकाश में उछले, कहते हैं भगवान वराह के गर्दन के बालों से आकाश के बादल तितर बितर हो, भगवान वराह का शरीर कठोर, चमड़ी के बाल कड़क, सफेद दांत, आंखों से करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश पुंज हो रहा, वज्रमयी पर्वत के समान भगवान वराह का दिव्य शरीर। और उस समय भगवान वराह अपनी पत्नी वसुंधरा देवी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जैसे ही समुद्र में कूदे, समुद्र तो भागों में उछल गए, समुद्र आकाश में उछल गया और उस समय भगवान वराह रसातल में चले गए और रसातल में जाकर के सर्वप्रधान भगवान वराह ने अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार किया, पृथ्वी को लाकर के अपने स्थान पर रखा। हिरण्याक्ष को पता चलते ही हिरण्याक्ष अपने हाथ में गदा लेकर के भगवान वराह के साथ युद्ध करने के लिए आया। और आज भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में घमासान युद्ध छिड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, घमासान युद्ध और इतिहास की प्रथम घटना बन गई। हिरण्याक्ष का प्रहार करते ही भगवान वराह के हाथ से गदा गिरी, भगवान के हाथ से गदा गिरी, हिरण्याक्ष का उत्साह बढ़ गया, परंतु पूरा बड़ा भगवान हिरण्याक्ष के ऊपर टूट गया और फिर से दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने, दोनों एक दूसरे के साथ हाथों से लड़ने लगे। आज भगवान अपने दिव्य लीला प्रस्तुत कर रहे और उस समय हिरण्याक्ष घमासान प्रहार करने लगा। युद्ध करते रहे करते रहे, भगवान वराह ने सोच लिया कि अभी हिरण्याक्ष का वध कर दो, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, ऋषि मुनियों की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आज भगवान वराह हिरण्याक्ष को पर तव दम दमक दादुर दर दमकत बहकत मन मलाल गिरा तव पीऊ पीऊ कर पुकारक चातक पीऊ को किल कण गिरा तब गड़ गड़ नव होश गड़ात गण 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 रण गिरिव शिखर भजे
फड़ रण पत फड़ गड़ पड़ घूंगड़ रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम रे भयंकर युधिष्ठिर एक दूसरे पर टूट पड़े हिरण्याक्ष को मारने का निर्णय ले लिया। उसी समय जैसे ही भगवान ने निर्णय लिया कहते अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया। साधुओं के मन में आनंद होने लगा, असुरों के मन में क्षोभ उत्पन्न होने लगा, दीदी के हृदय से खून चूने लगा। और उसी समय भगवान वरा ने अपने दिव्य हाथ का एक प्रहार हिरण्याक्ष को प्रहार किया। हिरण्याक्ष के मुख से खून की विल्टी हो गई, हिरण्याक्ष का वध हो गया, देवता बन प्रकट हुए, फूलों की वृष्टि किए और आज भगवान वरा की जय जयकार कर रहे हरि बोल। बोलो यज्ञपति भगवान वरा दे जय। यज्ञपति भगवान वरा देव की जय। वसति दशण शिखरे धरणी तव लगणा ससिनि कलंक कले कले मगना केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे धरणी तव लगना शशिनी कलंक कले वणि मगना केशव धृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे 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 केशव धृता सुगर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे भक्तो जय जगदीश हरे भक्तो। आज भगवान विष्णु ऋषि मुनियों की बुझती हुई अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की शांति ब्रह्मा जी को शांति देने के लिए, मनुष्यों की उत्पत्ति करने के लिए अपनी पत्नी देवी वसुंधरा का उद्धार करने के लिए वराह अवतार धारण किया। भक्तो आज भागवत के माध्यम से इस ग्राम में भगवान वराह का अवतार हुआ। सभी लोग भाव से प्रेम से भगवान वराह देव की स्तुति करें। केशव धृता सुगर रूपा केशव धृता सुगर रूपा केशव धृता शुकर रूपा केशव धृता सुगर रूपा केशव धृता शुकर रूपा केशव धृता सुगर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।
हरे कृष्ण यज्ञपति भगवान वराहदेव के जय हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान वराहदेव प्रकट हुए और देवी पृथ्वी की रक्षा की, उत्थान की। तो मनु शत्रुपा इस प्रकार पृथ्वी पर आई और मनु और शत्रुपा की एक कन्या हुई जिसका नाम था देवहूति। क्या नाम था? देवहूति। याद रखिएगा, है ना, ये सब चीज याद होना चाहिए, हमारा इतिहास है, है ना। हम सब तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा से ही हैं। कौन से दादा होंगे पता नहीं, पर दादा तर दादा पता नहीं कौन से दादा है, दादा क्यू अथवा कुछ लगा दीजिए जो भी लगे जो भी हो। तो उनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम हुआ देवहूति। देवहूति वायरलेस माइक मत दे दो, कुछ दिव्य वचन आ रहे हैं। बोल। हाँ वहीं पे आदित्य थोड़ा जोर से बोलो, हम भी सुने, आनंद लें आपके गांव की बात। अरे बोलो सर, माना नहीं है। माता जी बोलो ना प्लीज, बोलिए ना माता जी। माइक हो गया। हरे कृष्णा, शांति से रहिए। अब बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है। अच्छा लग रहा है ना कथा आपको? नहीं लग रहा है। नहीं, जो उधर बोलेंगे तो इस पर बैठा के इधर से बुलवाएंगे। नहीं वहीं से बुलवाइए, वही काफी है। तो क्या कहा? मनु शत्रुपा की पुत्री का नाम क्या हुआ? देवहूति। देवहूति बचपन से ही कृष्ण की भगत भक्ति में लीन रहती थी। जन्म से ही भक्ति के संस्कार मिले हुए थे। जब भी उनके कहते बेटा तुझे क्या चाहिए, क्योंकि उनके पिता पूरे ब्रह्मांड के राजा थे मनु महाराज, तब देवी देवहूति कहती पिताजी मेरी एक ही इच्छा है कि जीवन में जीवन भर कृष्ण की भक्ति करते रहो। विवाह की उम्र हो गई, तब देवहूति अपने पिता के पास गई और निवेदन किया कि पिताजी यदि मेरे विवाह कराना है ना तो किसी कृष्ण भक्त से कराना, मुझे कोई धनी नहीं चाहिए ना मुझे सुंदर पति चाहिए, मुझे कौन चाहिए? कृष्ण भक्त। मेरे होने वाले पति कृष्ण के भगत होने चाहिए, परम शुद्ध भगत, कृष्ण के भक्त के साथ विवाह करना चाहते हैं। जैसे देवी पार्वती ने भी हट लिया था कि विवाह करूं तो केवल शिव जी से, नहीं तो कुमारी रहूं, कोई दिक्कत नहीं। बोले अरे शिव जी को रहने के लिए कोई कोठी नहीं है, कोई घर नहीं है, पाउडर भी नहीं लगाता है, शमशान का राख लगाता है, आज तक कभी सलून में नहीं गया, कोई ब्यूटी पार्लर उलर नहीं जाता, एकदम बाल भी बढ़ा के रखा है। बोले ठीक है, फिर भी भोलेनाथ ही चाहिए। बोले कपड़े भी नहीं बनता है, तो कभी कभी ऐसे ही खाली मृग छाल पहन के घूमते रहता है। बोले ठीक है, कोई गाड़ी BMW मर्सिडीज नहीं है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। तब देवी कोट पार्वती ने कहा था कोटि जन्म लही रगर हमारी बरह संपूर्णता रह कुमारी। करोड़ों जन्म तक क्यों नहीं कुमारी रहनी पड़े, लेकिन वरूंगी तो केवल शिव जी को। इसी प्रकार से देवी देवहूति भी व्रत लेकर के आई थी। हमें भी ध्यान रखना चाहिए बेटे, आप लोग भी अपने बच्चों का विवाह कराते हो ना, हम तो बस देखते हैं कि लड़का LIC कितना है उसका, इंश्योरेंस कितना कराया है, सैलरी कितना है उसका, पढ़ा लिखा कितना है, धन देखते हैं, लेकिन क्या धन वास्तव में सुखी कर सकता है? अगर विवाह कराना तो भगत से विवाह कराओ। अरे जितना एक भक्त अपनी पत्नी को सुखी कर सकता है ना, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ माता जी, आप लोग बताओ आपके पति कितने बार एक साल में आपको घुमाने के लिए लेके जाते हैं? बताओ माता जी, तो मुंह नीचे कर रही है, लेके जाते हैं। भक्त लोग एक साल में 3 से 4 बार तो लेकर के ही जाते हैं, लेकर के ही जाते हैं घुमाने के लिए।
इसलिए जो कुंवारी माता जी लोग हैं ना, वो पैसे के पीछे मत भागना कि कोई सरकारी ऑफिसर चाहिए। सरकारी ऑफिसर रहेगा बेचारा जीवन भर बैंक में ही रह जाएगा। भगत से शादी करना अगर जीवन जीना है तो, और नहीं तो एक कोठी में कैद होकर रहना है तब तो किसी से भी कर लो, है ना। लेकिन जीवन जीना है तो भगत से शादी करो। लोग कहते हैं क्या प्रभु जी, वो लोग तो धोती कुर्ता पहनता है, लेकिन जो एक धोती कुर्ता पहनने वाला अपने पत्नी को सुख दे सकता है ना, ये जीन्स पैंट वाले नहीं दे सकते हैं। ये 250 रुपए की धोती कुर्ता पहनने वाले जो सुख दे सकते हैं, वो 2000 रुपए की पैंट शर्ट पहनने वाले नहीं दे सकते। नहीं तो पूछो हमारे अनिरुद्ध प्रभु, कितने बार वृंदावन लेके जाते हो माता जी को बता। तो वास्तव में क्या कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं। मायके भी लड़ करके जाते होंगे आप लोग। मायके तो भक्तों की पत्नियों को ऐसे बोनस में मिलते रहता है, उनसे नहीं जाना है हमें, चलो नहीं जाना है हमें। और इधर वाले तो लड़ते हैं, लेके चलो लेके चलो, बाद में चलेंगे, बहुत खर्चा है। जितना भक्त सुखी कर सकते, अब देखना आगे आगे देखना। कुछ लोग धोती कुर्ते वाले को बड़ा ढीला समझता है, ये धोती कुर्ता पहना क्या बोलेगा। आके मिलो कभी, बताते हैं क्या बोलेंगे। आके मिलना कभी। तो इस प्रकार से देवी देवहूति व्रत लेकर रख रही थी। और दूसरी ओर ब्रह्मा जी से एक पुत्र हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। हमने सुना ना कर्दम ऋषि का जन्म ब्रह्मा जी से। कर्दम ऋषि को आदेश दिया था कि सृष्टि करो, बोले ठीक है। कर्दम ऋषि तपस्या करने चले गए, 1000 वर्ष तपस्या किए, भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा बताओ क्या चीज है। प्रभु कुछ चाहिए नहीं, बस आपकी भक्ति की कामना करता हूं। आवाज कैच कर रहा है, बंद करो इसको। कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है कि भक्ति विवाह करूं, तो आपसे निवेदन है कि ऐसा कृपा करना। पिताजी की आज्ञा ठुकरा नहीं सकता, इसलिए मेरा विवाह हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। परंतु प्रभु आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि मेरा विवाह हो तो किसी एक भक्त कन्या से, किसी भक्त कन्या से। अगर एक बात बोलूं, अगर माता जी और प्रभु जी मतलब वाइफ और हस्बैंड दोनों कृष्ण के भगत हैं, तो जीवन में कभी कलह नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, माइक दे दूंगा। हमने देखा है लोग आते हैं हमारे पास, प्रभु जी बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर, हमारे छोटे से जीवन में कितने सारे एक्सीडेंट आ गए, टूटने वाले शादी, गैजेटेड ऑफिसर, पैसे की कोई कमी नहीं। कुछ करो प्रभु, कुछ करो, कुछ करो, क्या कर सकते हैं बताओ। तो कहा कि प्रभु ऐसा कन्या हो जो मेरे भक्ति में सहयोग करे। भगवान विष्णु ने कहा था, करदंडी आज से 3 दिन बाद ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड के राजा मनु महाराज आएंगे, वो आपकी पुत्री अपनी पुत्री को आपको सौंप करके चले जाएंगे। और भगवान ने देखा भक्तों की कर्दम ऋषि तपस्या कर करके अपने शरीर को गला लिए हैं। और उस समय भगवान की आंखों से भक्त को देख करके अश्रु की धारा बहने लगी, और जो अश्रु गिरे ना तो एक सरोवर बन गया, और उस सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर, है ना। और बड़े बड़े महात्मा इस सरोवर को पूछते हैं, है ना, इस जल की प्यासे रहते हैं, और यह जल बड़े बड़े रोगों से चंगा करने वाला है, क्योंकि भगवान के आंसुओं से बना है। और जैसे भगवान ने कहा वैसे ही हुआ,
कर्दम ऋषि बिंदु सरोवर के तट पर कुटिया बना करके रहते थे। तीन दिन के बाद सृष्टि के चक्रवर्ती सम्राट मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आए और बिंदु सरोवर के तट पर आकर के देवहूति का हाथ कर्दम ऋषि के हाथ में देकर के चले गए। अब विचार करो, मनु महाराज को छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक, पूरे ब्रह्मांड का इकलौता राजा, 71 चतुर्युग जिन्होंने राज किया, वैसे राजा, आज का राजा तो एक दो साल का होता है, 71 चतुर्युग राज किया, और ऐसे राजा महाराज अपनी पुत्री का विवाह किससे करा रही है, करा रहे हैं एक साधु से, कृष्ण भक्त से। जानता है कि कृष्ण भक्त जितना सुख रख सकता है ना, खुश रख सकता है, मेरी पुत्री को उतना और होए। आज के पिता ढूंढते हैं तो केवल पैसा वाला, मर जाएगा तो कुछ LIC वगैरह किया है कि नहीं, मेरी बेटी का जिंदगी कैसे जिएगा। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं कहीं से भेजा था, तो उसके पति मर गए, अब वो रो रहे थे, हमको छोड़ के चला गया, मेरा क्या होगा, हमको नौकरी मिल जाना चाहिए सरकारी, पति से कोई प्रेम नहीं है। आप लोग भी ध्यान रखना, कोई प्रेम है नहीं, खाली बस जीवन आपन करा रहे हैं तो नहीं तो कोई प्रेम नहीं है किसी से, वास्तव तुम से तो कृष्ण से है, वास्तव पति भी हमारे ये है नहीं, वास्तव पति तो कृष्ण है, ये तो शरीर के पति है, आत्मा के पति कृष्ण है। आज केवल चमड़े पैसे को देख करके विवाह किया जाता है, देखना चाहिए कि हमारा विवाह जिस कन्या जिसके साथ हो रहा है, जिस लड़की के साथ हो रहा है, वह लड़का कैसा है, अगर कोई गुणवान है, गुण है उसमें, तो वाकई हमारी बेटी को खुश रख सकता है, और गुणवान नहीं है और करोड़ रुपए हैं तो फिर भी क्या फायदा, बताओ क्या फायदा है, बताओ कोई फायदा है, करोड़ों रुपए और आपकी बेटी के पास बैठने के लिए 2 मिनट का समय नहीं, क्या करेगा। विवाह हुआ, समाधि लग गई, और कहते हैं देवी देवहूति अपने पति का सेवा करने लगी, सेवा करने लगी लगातार 12 वर्ष तक समाधि में रहे, और समाधि टूटने के बाद अब मन में प्रश्न होगा, जब समाधि में बैठे थे तो फिर क्या सेवा करें, बोले समाधि में बैठने के बाद यही सेवा है कि पत्नी डिस्टर्ब ना करे, भक्ति करते समय डिस्टर्ब नहीं करे, यही सबसे बड़ी सेवा है, तो डिस्टर्ब नहीं किया। तो जब आंखें खुला आज तो विवाह होते ही बोलते कि आज जाना है स्विट्जरलैंड, कुल्लू मनाली, गोवा, हमें हमारे शिक्षा गुरु ने बोला था हरिद्वार, कथा है राम कथा, शादी करके आया, दूसरे दिन कथा थी यहाँ पे, क्या कहते इसको, बगोदर, दूसरे दिन निकल गया कथा के लिए, तो प्रभु जी बोले कि डांटा रे घर जाओ, बाद में आना हरिद्वार, कथा है 10 दिन के बाद। तो देवी देवहूति सेवा करने लगी, और 12 वर्षों के बाद जब कर्दम ऋषि की आंखें खोली तो हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, जिस पत्नी को मैं विवाह करके लाया था उसका कर्तव्य निर्वाह नहीं कर पा रहा, इतनी सेवा कर करके बेचारी सूख गई है। उसी समय अपने भक्ति के बल पर उस कर्दम ऋषि ने हजारों सेविकाओं को प्रकट किया और देवहूति को कहा कि आप जाइए और बिंदु सरोवर में स्नान करके आइए। हजारों सेविकाएं भक्तों देवहूति का सेवा करने लगी और फिर से उनका वह पुराना शरीर प्रकट हो गया। कर्दम ऋषि अपने तपस्या के बल पर एक विमान तैयार किया, बहुत सुंदर विमान तैयार किया,
और अपनी उनकी पत्नी को बहुत सुंदर आभूषण, बहुत सुंदर हल्दी तिलक इत्यादि किए गए और दोनों विमान पर बैठ करके घूमने के लिए गए, कर्दम से भी घूमने के लिए गए। बहुत अद्भुत विमान चाहते थे कि मेरी पत्नी को सुखमय जीवन प्रसन्न करने के लिए कर्दम ऋषि एक विमान तैयार किया, अपने भक्ति के बल पर, पेट्रोल वाला विमान नहीं, मंत्र के बल से उड़ने वाला विमान। और उस कर्दम ऋषि ने अनेकों उस विमान में अनेकों सरोवर थे, अनेकों चीज उद्यान थे, बहुत सुंदर उसको उड़ाया। पर कहते हैं इंद्र भी जिस स्थान पर नहीं जा सकता, वहां पर कर्दम ऋषि अपने विमान को लेकर के गए और अपनी पत्नी के साथ घूमा। और देखिए आज की पत्नी होती तो कुछ दिन और रह जाते, लेकिन देवी कर देवती क्या कह रहे हैं, कुछ दिन रहने के बाद पति देव बहुत भ्रमण हो गया, अब वापस घर चलो। तो कर्दम ऋषि वापस आए और देवती के गर्भ से नौ कन्याओं का जन्म हुआ। और एक दिन कर्दम ऋषि के दिव्य योग से, अपने भक्ति के पुण्य से, देवती की सेवा से प्रसन्न होकर के, देखिए भक्तों, अगर माताजी और प्रभु जी, पति और पत्नी दोनों कृष्ण की भगत हैं, तो जो पुत्र होगा ना वह अलौकिक होगा, अद्भुत होगा। आज कर्दम ऋषि और देवती दोनों भगत हैं, तो भगवान की कृपा से ऐसे घर में या तो भगत या फिर भगवान के अवतार प्रकट होते हैं। तो आज कर्दम ऋषि के घर पे भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ। कपिल देव भगवान के जय। भक्ति होती है तब दोनों में भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त का जन्म होता है। देवती के गर्भ से भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। जैसे ही भगवान कपिल देव बड़े हुए, कर्दम ऋषि अपने घर को छोड़कर चले गए। सर्वप्रथम अपने पुत्र को प्रणाम किया, सर्वप्रथम अपने पुत्र को पूछा, बेटा अब मेरी उम्र हो चुकी है और तुम भी बड़े हो चुके हो, मैं चाहता हूँ वनप्रस्थ आश्रम स्वीकार करूं। प्रत्येक पुरुष को चाहिए, प्रत्येक पुरुष को ध्यान रखिए, 50 वर्ष बीतते ही कहां चला जाना चाहिए, वन है ना, चौथे पण नृप कान आ जाए, चौथा पण जब जीवन का आ जाता है तब वन में प्रवेश कर सकते हैं। 50 बीतते ही 51, देखो उम्र भी कह रहा है 51 जाओ वन। अगर वन ना जा सके तो कम से कम वृंदावन तो जरूर चल जाना चाहिए। मरते समय जैसी चिंता होती है ना भक्तों, वैसा ही मन हमारा होता है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मरते समय जैसा हमारा स्मरण होता है ना भक्तों, वैसा ही हमारा जीवन होता है, ध्यान रखना। कल भी बताया, मरना भलो विदेश में जहाना अपन, कोई माटी खाए जनावरा महा महोत्सव, घर को छोड़ देना चाहिए, आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। आज तो ऐसी स्थिति है कि बेटा बहू मारते रहते हैं, लेकिन फिर भी बूढ़ा घर छोड़ने को तैयार नहीं, घर में ही पड़ा रहना है। नहीं कह रहा हूं आपके जैसे, आपके बेटे जैसे बेटे हो तब तो फिर घर ही वृंदावन है। अगर भागवत कथा आयोजन करके सुनाया जाए तब तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे पुत्र ऐसे पोते पोतियां मिले तब तो फिर
उद्धार तो निश्चित ही है, क्योंकि भगवान तो खुद कहे हुए ना, प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त एक कुल में भी पैदा हो जाता है ना, जिस कुल में पैदा हो जाता है उसके 21 कुल का उद्धार कर देता हूं। लेकिन फिर भी चाहिए कि वृंदावन चले जाएंगे, पता नहीं घर में, क्योंकि मरते वक्त किसी में आसक्त हो गए तो हो गए ना, चल जाएगा ना। जैसे मरते समय भगवान ने कहा ना, यमयम वापि स्मरण भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तं वेदि कौन्तेय सदा तद् भाव भावता। मरते समय जहां तुम्हारा मन लग गया कौन्ते पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म वही कुत्ता में लगा तो, बिल्ली में लगा तो, बकरे में लगा तो, पोता में लग गया तो घर में ही फिर से वापिस आएंगे लड़के बन करके। बड़े बच्चे को मारा था, वो कूटेगा पकड़ के, इसलिए संभल के। इसलिए सभी को चाहिए कि छोड़ के चला जाना चाहिए वृंदावन। मैं ये कह रहा था कि आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। कर्दम ऋषि अपने व्यवहार के द्वारा हमें उपदेश दे रहे हैं कि भाई विवाह हो गए, बच्चे हो गए, बच्चे अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगे, अब हमें क्या चाहिए, घर में ही पड़े रहें और बच्चों से लात जूता खाते रहें, नहीं क्या करना चाहिए, छोड़ करके चले जाना चाहिए। अरे अब छोड़ दो, अब कितना दिन पकड़ के रखोगे बच्चे को, उसे जीने दो अपने जीवन। बच्चा कहता भी है अब राम जी इसकी सुन लेते तो अच्छा होता। अरे अब तो समझो, कहते कि नहीं, कुछ बूढ़े लोग बहुत परेशान करते हैं तो बेटा कहता है राम जी सुन लेते ना तो वही अच्छा होता। चले जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। वैसे आप देख लो, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, हमें तो अच्छा नहीं लगता। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि घर छोड़ देना चाहिए। देखो ये पुत्र ने कहा, गच्छ कामं मया पृष्टः मयि शन्यस्य कर्मणः जित्वा सो दुर्जयं मृत्युम अमृतव्य माम भज। बोले पिताजी, यदि आप मुझसे पूछते हो कि मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करो, तो घर छोड़ देना चाहिए तुरंत, यही उचित है आपके लिए। आप जाओ, तुरंत चले जाओ वन में। ये नहीं कहा नहीं पिताजी मत जाओ हमें छोड़ करके, मगर मच्छ के आंसू नहीं रोए। आज कहोगे तो हो सकता है आपके पुत्र ऐसा कहे, लेकिन अंदर अंदर कहेगा चला जाए वही अच्छा है। ऐसी स्थिति है। एक बच्चे ने अपने माता को, माता पिता को 8 साल तक बाथरूम में बंद करके रखा था मेरिन ड्राइव में, 8 साल तक। देखना कहीं वैसी स्थिति नहीं हो जाए आप लोगों की। इसीलिए छोड़ के चले जाओ। तो कहते हैं कि पिताजी आपके लिए यही उचित है, जाओ प्रवेश करो वृंदावन में, जाकर के कृष्ण की भक्ति करो, वैकुंठ को प्राप्त कर लो। मैं यहां पर सारी चीजों का ध्यान रखूंगा। इसे कहते हैं श्रेष्ठ पुत्र। पर याज तो पुत्र के भी पुत्र हो जाते हैं, पर पिताजी घर छोड़ने का नाम नहीं लेता है। और छोड़े भी तो छोड़े कैसे, बच्चे का एक कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसी भी स्थिति है। कर्दम ऋषि चले गए वन में, और एक दिन की बात, माता देवहूति को, माता देवहूति दोनों हाथ जोड़ करके अपने पुत्र के पास आई और कहा, प्रभु आज मैं पुत्र माँ बन करके नहीं, एक शिष्य बन करके आपके पास आई हूँ, और आप मुझे एक गुरु बन करके उपदेश दीजिए कि किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। अद्भुत उपदेश है भक्तों। कपिल देव ने अपनी माता को जो उपदेश दिया ना, वो केवल अपनी माता को नहीं, अपनी माता को माध्यम बना करके हम सबको दिया है। क्या कहते हैं सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 20। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सहया सैवं साधवो क्रीतो मोक्षद्वारम अपावृतम। हे माता, सर्वप्रथम कहते हैं प्रसन्न मजरम पाशम। हे माता, इस संसार में हम सब लोग बंधे हुए हैं,
एक नहीं अनेकों बंधन से बंधे हुए हैं। आत्मा के ऊपर बंधन, मन के ऊपर बंधन, अहंकार के ऊपर बंधन, पंच महा। ये देखिए बच्चे लोग तहलका मचा रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा भाई। देह का बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन, जरा का बंधन, रोग का बंधन, काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य का बंधन, पिता का बंधन, पुत्र का बंधन, पत्नी का बंधन, समाज का बंधन, देश का बंधन, अनेकों बंधन हम पर लगे हुए हैं और ये बंधन ही हमारे दुख का कारण है। हम सब लोग बंधे हुए हैं, बोले इस बंधन का कारण क्या है? बोले प्रसंगम अजरम पासम। प्रसंगम, प्रसंगम का अर्थ होता है भक्तों आसक्ति। प्रसंगम का अर्थ क्या होता है? आसक्ति, अटैचमेंट। संसार की जड़ वस्तुओं में हमारी आसक्ति और वही हमारे बंधन का कारण है। अगर वस्तुओं में आसक्ति हो गई ना, फंस गए। आज पुरुष किसी स्त्री में आ सकता है, स्त्री किसी पुरुष में आ सकता है, गाड़ी में, बंगला में, घड़ी में, और आज का तो सबसे बड़ा आसक्ति क्या है? फोन, बाथरूम में भी फोन। ये आसक्ति हमारे दुख का कारण है। बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था राजा भरतहरि। क्या नाम था? राजा भरतहरि। एक अद्भुत श्लोक का उच्चारण किया, भोगान भोक्ता वैभव भोक्ता तपसान तप्ता वैभव तप्ता। बोले मैं मेरे जीवन का अनुभव आपको बताता हूँ। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना भक्तों, वो दूसरों के अनुभव से सीखता है, और जो महामूर्ख होता है ना, वो अपना अनुभव करता है और सीखता है। अब सांप काटने से आदमी मर जाता है, जरूरी है कि आप कटवा के मर करके सीखे? जरूरी है नहीं? जरूरी क्या? देख लिया, अरे सांप काटेगा, सुन लिया, बाबा कहे, दादा कहे, चाचा कहे, सांप काटने से मर जाता है, क्या जरूरी है कटवा करके? ये साइंस है। साइंस लोग जो थे ना, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करें, साइंस जो सबसे मूर्खों की चीज है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अब पता चल रहा है कि मूर्खों की चीज है। अब बताइए, मूर्ख वाली बात हुई कि नहीं? साइंस जब तक प्रूफ नहीं देखता, तब तक मानता नहीं। तो अगर सांप काटने से आदमी मर जाए तो ये साइंस नहीं मानेगा, वो कटवाएगा, मरेगा तब मानेगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? महामूर्ख। बोले मैं मेरे जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूँ। माता जी घर भाग रहा है क्या? रोको रोको, जल्दी जाओ, घर भागना नहीं चाहिए, कहां रहेंगे? दौड़ो, दौड़ो। और कल से एक रस्सी लगा के घर को बांध के यहां ले आना, कोई जाए तो पता तो चले कि जा रहा है। कहते हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन हम भोगों को नहीं भोगते माते। वास्तविकता तो ये है कि भोगों को भोग रहा है। हमें लगता है कि हम सिगरेट पी रहे हैं, हम दारू पी रहे हैं, वही से उधर से आप जो करना करें, इधर बचना जो। हम भोगों को भोग रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, हम दारू पी रहे हैं, लेकिन भक्तों हम नहीं पीते हैं, दारू हमको पीता है, सिगरेट हमको पीता है, है कि नहीं? कौन पीता है? सिगरेट और दारू हमको पीता है। ये आसक्ति हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। और कहते हैं यदि उससे मुक्त होना है तो उपाय कहते हैं सही मोह वो आसक्ति साधु सो कृतो। आसक्ति को नहीं छोड़ना है, लेकिन आज हमारी आसक्ति पत्नी में, बच्चों में, घर में, गाड़ी में, पैसे में, ये जो आसक्ति हमारी लगी हुई है, वहां से आसक्ति को हटा करके क्या करना है? साधुओं में लगा देना है, भक्तों में लगा देना। सयेव साधु सो कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। साधु क्या है? साधुओं से, संतों से आसक्ति करने से क्या होती है? मुक्ति के द्वार, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जो लोग सत्संग में आसक्ति करते हैं ना, वो मुक्त हो जाता है, और जो घर में आसक्ति करते हैं ना, वो बंद जाता है। ध्यान रखना, इसलिए साधुओं का संग करो। तब देवी देवहूति बड़ा सुंदर पूछती है, ठीक है, मुझे ये बात समझ आ गई
कि अगर मैं साधुओं का संग करूंगी तो मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन इन संसार में साधु कौन है? क्योंकि संसार में आजकल तो ठग भी साधु के भेष में गिनते हैं। बड़े बड़े टिकट तिलक लगा करके, बाल बढ़ा करके, लाल कपड़े पहन करके, कमंडल लेकर के। ये सवाल हमारे लिए, थोड़ा ध्यान से सुनना। सोना नहीं कोई, नहीं तो भी किसी भी बाबा के साथ कोई भी बाबा भ्रमित कर देगा। कहते साधु वेश धर साधु ना होई। साधु का वेश धर लेने से साधु नहीं होता, केवल धोती और कुर्ता पहन लेने से साधु नहीं हो जाता, फुल पेंट शर्ट में भी साधु हो सकता है ना। मात्र साधु पहन लेने से नहीं होता है। साधु के गुण होने चाहिए तब उसे साधु कहा जाता है। भगवान कपिल देव कहते हैं जिस व्यक्ति में साधु के गुण है ना, वह सच्चा साधु है, और उसी की संगति करनी चाहिए, केवल बनावटी साधुओं की नहीं। तब देवी देवहूति ने कहा प्रभु बताइए ना, साधुओं में कौन से गुण होते, क्या गुण होता है? तब भगवान कहते हैं तितिक्ष्वः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रुः संतः साधवः साधुभूषणः। साधुओं के क्या लक्षण, साधुओं के क्या गुण होते हैं? तब भगवान कपिल देव कहते हैं साधु में पहला गुण है सहनशीलता, तितिक्ष्वः, जो सहन करे वह साधु आ जाए, क्रोध आ जाए वह साधु नहीं है, सहनशील होना चाहिए। क्या सहन करता है साधु? प्रकृति के जो परिवर्तन है ना उसको सहन करता है, ठंड को सहन करता है, गर्मी को सहन करता है। साढ़े चार बजे उठना है तो ऐसा नहीं कि ठंडी के दिन में सात बजे उठेगा, नहीं। भगवान साढ़े चार बजे उठ जाते हैं, कितने बजे? साढ़े तीन बजे उठ जाते हैं और साढ़े चार बजे दर्शन देने के लिए मंदिर में खड़े हो जाते हैं। और हम लोग कितने बजे उठते हैं? कितने बजे उठती हो बताओ माता जी? कितने बजे उठती हो आप लोग? प्रभु जी कितने बजे? सात बजे। तब कैसे होगा? आजकल के साधु थोड़ी सी ठंडी बढ़ जाने से बड़ी बड़ी गुफा में घुस जाते हैं और बाहर ही नहीं निकलते हैं। सहन कर अड़ी अड़ी उस साधु है। और साथ ही साथ संसार के लोग प्रशंसा करते हैं, मान सम्मान देते हैं, उस मान सम्मान को सहन कर लेना, दूसरे की प्रशंसा सुन करके अभिमानी ना हो जाना, यह साधु है। और साथ ही साथ जितना मान मिलता है उतना अपमान भी मिलता है, तो मान के साथ अपमान के घूंट भी पी जाना यह साधुता है। ठंडी गर्मी वर्षा मान अपमान सहे, यह आज की बात नहीं भक्तों। आज से ठीक लगभग 500 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर एक साधु हुए, मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन नाम हुआ हरिदास। क्या नाम हुआ? हरिदास। देखिए भगवान के नाम की महिमा, साधु की महिमा। मुसलमान हो गया और कृष्ण की भक्ति करने लगा दिन रात, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे वो मुसलमान होके जप कर सकता है, फिर भी होके नहीं कर सकते? हरे जप करो, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, दोनों हाथ खड़े करके हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति करने के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया, रसखान भक्ति करने के लिए जीवन। स्वामी हरिदास संत हरिदास भक्तों जन्म से ही मुसलमान थे, कृष्ण की भक्ति करते थे, कृष्ण का नाम लेते थे, और जहां जाते थे ना अपनी पवित्र वाणी से सबको पवित्र करते थे। उनकी भक्ति के प्रभाव से गांव के गांव भक्त होने लगे, भक्त बनने लगे। एक ब्राह्मण ने उसका कंप्लेन कर दिया एक मुसलमान, देखो तुम्हारे समाज का है और मेरे समाज में आ गया है,
कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उस जमींदार ने, उस राजा ने आदेश दिया कि इस हरिदास को ले जाओ और 22 बाजार में पीटो। कितने बाजार में? 22 बाजार। मतलब जैसे आपके अगल बगल कौन सा बाजार है? हाँ, चतरो और देवरी, हाँ जो भी हो, इस प्रकार के 22 बाजार ले जाते थे उसे, एक एक दो करके, और 22 बाजार में मारते थे, और मारने के बाद जब वह मूर्छित हो जाते थे तब छोड़ देते थे। लेकिन भक्तों फिर भी हरि नाम, भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेना नहीं छोड़ा। और आज की स्थिति देखो, हमें कोई मार भी नहीं रहा फिर भी नहीं ले रहे, बोल भी रहा है लोग फिर भी नहीं ले रहे, हाथ नहीं खड़े होते, सोचो नहीं तोड़ पाए। तो उस राजा ने एक वैश्या को, जिसका नाम था हीराबाई, क्या नाम था? हीराबाई, बोला जाओ और हरिदास की तपस्या को भंग करके आओ, मैं मुंह मांगा ही नहीं। बोले अरे क्या एक संत को तोड़ना है, अब भी जाऊंगी महाराज, आप देखना वह हरिदास है ना, कल देखना वह हीरा दास हो जाएगी। बोले ठीक है जाओ, हरि नाम की महिमा देखिए। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा रहा हूँ ना आपसे, ये मत सोचना कि ये कोई साधारण सा शब्द है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बोल नहीं पाते, वो नहीं बोल सकता है, गारंटेड वो नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसकी स्वीकृति ही नहीं है। हरि नाम बोलने के लिए बहुत स्वीकृति चाहिए भक्तों, बहुत स्वीकृति चाहिए, तब व्यक्ति हरि नाम जप कर सकता है। अगर मुख से नहीं निकल रहा है हरि नाम ना, सोचो आपकी बीमारी की जो स्थिति है ना, एकदम एकदम मतलब गहरा हो चुका है। अब इलाज जो है ना, बहुत बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है, बहुत बड़े पैमाने पर। अगर हरिनाम नहीं निकल रहा है मुख से, एक बार खड़ा करना हाथ, देखो अभी भी कितने लोग नहीं कर पाए, मतलब बीमारी बहुत खतरनाक स्थिति में चला गया है। बोलो तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। अभी भी देखो कितने लोग नहीं बोल पा रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं बोल सकता है, हिम्मत भी नहीं है बोलने की, क्योंकि हरिनाम जो है ना, हरिनाम कृपा करते हैं और हमारे जीवा पर आती है, हम खुद से नहीं ले सकते। हिम्मत है लेकर के दिखाओ, है हिम्मत, हिम्मत ही नहीं है, चैलेंज करता हूं, नहीं ले सकता वो व्यक्ति। स्वीकृति होनी चाहिए। तब हीराबाई गई और हरिदास ठाकुर हरिनाम जप कर रहे थे। जीवन का निर्णय था 21 घंटा हरिनाम जप करते थे, 21 घंटा की 23 घंटा मुझे याद नहीं है, 23 घंटा हरि नाम जप करते थे, जप करते रहते थे। वो वैश्या गई और जप करते रहे, कब करते रहे, और ये सुनती रही। जब सवेरा हुआ, हरिदास ठाकुर स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो पूछा, देवी तुम्हारा कोई इच्छा था, मैं पूर्ण नहीं कर पाया, क्षमा करना, आज मेरा नाम जब पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए कल करूंगा तुम्हारे इच्छा पूर्ण, कल आना। वो वैश्या चली गई, कल रात रात को पुनः आई और हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब करते रहे। सवेरा हुआ, फिर पूछा, क्षमा करना, नाम जब पूरा नहीं हुआ, नहीं कर पाया, तीसरे दिन आई, रात भर नाम जब सुना भक्तों, और जब सवेरा हुआ ना, तो वैश्या हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरी हुई थी, महाराज महाराज क्षमा कर दो, मैं आपकी तपस्या भंग करने के लिए, हरि बोल, बड़ी हरिदास ठाकुर के बनाने के लिए आई थी, हीरा दासी बन गई हरिदासी। ये है हरिनाम की महिमा, इसीलिए नाम जप करो। और फिर वही वैश्या बहुत बड़े ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। सोचो कितने पाप थे जीवन में, कितने पाप थे जीवन में, हम लोग इतने पाप तो किसी ने नहीं किया है ना, कितना पाप। हरिदास ठाकुर ने कहा, जो धन दौलत कमाई हो उसे दान कर दो, भक्तों को दे दो, वैष्णवों को दे दो, और ये कुटिया मैं तुम्हारे लिए ही बनाया था, तुम आज से यहाँ बैठो, केवल कुटिया में हरिनाम जप करना। बोले और कुछ बताओ ना, मैं कुछ यज्ञ करना चाहती हूँ, कुछ हवन करना चाहती हूँ, कुछ पूजा करना चाहती हूँ, कहीं कहीं पर जाकर के कुछ कुछ और करना चाहती। बोले कुछ कुछ करना है तुम्हें, कुछ भी नहीं करना है, केवल
हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और ये देखो तुलसी महारानी है ना, तुलसी महारानी की परिक्रमा करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और भक्तों का उद्धार हो गया केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप कर, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर। इस प्रकार से साधु होते हैं। जीवा से कृष्ण का नाम कभी नहीं छूटना चाहिए, ये सादा है जो जगत के लोगों को उपदेश दे, जो शांत रहे वह साधु है, जो अपने जीवन में उतारे फिर बताए वह साधु है, जो जीवन में किसी प्रकार का खाद्य वस्तु का सेवन ना करे, प्याज लहसुन यहां तक कि चाय कॉफी भी ना पिए वह साधु है। आजकल के साधु तो खुद चाय पीते हैं जी, कैसे साधु, भांग खाते हैं, कहते हैं भोलेनाथ का प्रसाद है। पूरा शिव पुराण पढ़ा कहीं पे भी नहीं है, पढ़ा है आप लोगों में से किसी ने शिव पुराण? बोलो, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन भांग खाए बोला सुनते जरूर होंगे। भोलेनाथ को गाली देना बंद करो और ध्यान रखना, सुनना भी ऐसे गाली को सुनना भी गाली देना, गाली देना है। और जहां पे ऐसे गाने बजते हैं ना जिस धार्मिक स्थल पे, वहां पे भोलेनाथ विराजमान नहीं होते। भी सुनाना, सुनाना कि जहां पे साधुओं का अपमान हो, वैष्णवों का अपमान हो, वहां से वैष्णव चले जाते हैं तो भोलेनाथ तो वैष्णव नाम यथा शंभु है, वो वहां कैसे विराजे। कभी भी किसी धार्मिक गाने धार्मिक कार्य में ऐसे गाने मत बजाना, भांग खाए भोला हमार हो, बचना थोड़ा विचार करके तो देखो। हम लोग छोटे छोटे वैष्णव हैं और आप चाय भी दोगे ना तो हम लोग नहीं लेंगे, तो बोले ना तो वैष्णव नाम यथा शंभु है, भांग कैसे खाएंगे, मूर्ख हैं ये लोग। प्रसाद कहते हैं भोलेनाथ ने खाया है, भोलेनाथ ने भांग नहीं खाया, भोलेनाथ ने जहर पिया है। अगर वास्तव में भोलेनाथ के भगत हो ना तो सवेरे सवेरे दो चार बूंद जहर पी लिया करोगे, देखो कितनी भक्ति है भोलेनाथ की। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बच बच बड़े बड़े टीके लगा करके गांजा फूंकते हैं, शिव जी का फोटो बना दिए हैं, ऐसे फोटो अपने घर से तुरंत निकाल देना, आज से ही फेंक देना, शिव जी का अपराध है, अपमान है। अब मान लीजिए आपको हम यहाँ बुला करके एक गाली देना शुरू कर दे, कैसा लगेगा? मानो पम्मी माता जी आपको बुलाया गया है और संजीव प्रभु आपको गरियाना शुरू करते, उनकी दोनों बेटियां मिल करके माता जी मिल करके गरियाना शुरू करते, कैसा लगेगा? गाए मान लो, मतलब ऐसा कुछ कुछ गाना गा गा के आपको गरियाए तो कैसा लगेगा? भाग जाएंगे कि नहीं? भाग जाएंगे। देखिए जब एक साधारण व्यक्ति गाली सुन करके नहीं रह सकता तो बोलना कैसे रहेंगे। समझ ते माते ये साधु का पहचान है, इस प्रकार से करना चाहिए। और ये तो नॉर्मल पहचान हो गया, अब सबसे बड़ा पहचान क्या है ये देखो। मई अनन्य ने भावे ना भक्तिर भक्तिर कुर्वन्ति ये दृढ़ं मत कृते त्यक्त कर्माणा त्यक्तः ये जो स्वजना बांधवा। क्रांति आनी चाहिए इस सभा से, जो साधु बोले ना इस प्रकार से उससे पूछो कहां लिखा है शास्त्र में, आप बताना उसको, हमने सुना है कहां पे, बोलेंगे भागवत कथा में, बोलेंगे अरे भागवत कथा में तो ऐसे ही सुनने को मिलता है, बोले नहीं हमने प्रमाण के साथ सुना है, श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक के तीसरा स्कंद 25वां अध्याय और 22वां कि 24वां 24वां कौन सा श्लोक याद कर लो, कौन सा 24वां श्लोक। वह साधु अनन्य भावे न भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ं मई मई, वह व्यक्ति कृष्ण का
अनन्य भाव से भगत होना चाहिए। अब बोलेंगे प्रभु जी शिव जी के भगत होंगे वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रभु जी दुर्गा देवी के भगत होंगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कृष्ण के ही भगत होना चाहिए तभी वह उद्धार करा सकता है। शिव जी के सबसे बड़े भगत कौन हुए? रावण। कौन हुआ? वह अपना ही उद्धार नहीं कर पाया। कर पाया? मन विचलित हो गया और जगत जननी माता सीता का हरण कर लिए। देवी दुर्गा का सबसे बड़ा भगत कौन? क्या नाम था उसका? महिषासुर। देवी दुर्गा खुद ही उसको मार दी और भगवान विष्णु के एक छोटे से भगत हो गए इतने से। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ उनका? प्रहलाद महाराज। जीवन सफल हो गया। ध्रुव महाराज उनसे एक साल और छोटे, जीवन सफल हो गया। छह साल में भगवान को प्रकट कर दिया। बता तो वह भगत किसका होना चाहिए? केवल और केवल कृष्ण। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? कपिल देव भगवान कह रहे हैं। कहां पे कह रहे हैं थोड़ा बताओ? तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 24वां श्लोक। नहीं तो लड़ने के लिए आ जाएंगे कुछ लोग। मुझसे मत लड़ो। आप वो कहां पे गंगा सागर में कपिल देव जी विराजमान है वहां जाके लड़ो। मेरे को क्या करना है? मैं तो अपने जीवन में धारण कर लिया। मैं पहले किसी दूसरे संस्था से था लेकिन जब देखा कि अरे नहीं तू गड़बड़ है, वास्तविक ज्ञान तो यहाँ है, तो फिर यहाँ आके फिक्स हो गया। तो वह व्यक्ति कृष्ण का भगत होना चाहिए। कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े तो वह छोड़ दे। त्यक्त्वा स्वजना बाबा, वह अपने अपने भाई बांधव को भी कृष्ण के लिए छोड़ दे। ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। बोला अच्छा ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो संग करने से क्या मिलेगा? बताओ तू जरा। ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो संग करने से क्या मिलेगा? तो भगवान दिल कहते हैं, कपिल देव कहते हैं सताम सताम प्रसंगम मम वीर्यो सन्निधो भवन्ति अशायणः कथा तत् ज्योष्ठम आसु अपवर्गः आत्मनि श्रद्धा रति भक्तिर अनुस्मरति। 25वां श्लोक उसी स्कंद उसी अध्याय का 25वां श्लोक। जब तुम माते साधुओं का संग करोगे ना तब वहां पे क्या होगा? दुनिया की वार्ता। क्या होगा? डीजे बजेगा। क्या होगा? और क्या होगा? गप होगा संसार का। क्या होगा? नहीं, जो संसार का गप करता है जगत की वार्ता करता है वह वास्तविक साधु नहीं है। माता जी तुम साधुओं की संगति में जाओगे ना तो सप्ताम प्रसंगम मम वीर्यो सन्निधो वहां पर कृष्ण कथा होगी। क्या होगी? कृष्ण कथा। और उसको सुन करके भवन्ति ऋतरसायणः, उसको सुन करके तुम सुखी हो जाओगे। और कृष्ण संतों के मुख से कृष्ण कथा सुन करके भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगी और इस संसार में भी सुखी हो जाओगी और मरने के बाद भगवत धाम चले जाओगे। हरि हरि। इसलिए भगवान की भक्ति करिए। इसलिए भगवान ने भी खुद कहा ना भगवत गीता में दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में, कर्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढचेत यत् श्रेयस्यात् इष्टं ब्रूहितमेव शिष्यः ते अहम् साधिमाम त्वं प्रपन्नम्। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण अब तक मैं आपका मित्र था लेकिन अब आपका शिष्य हूं, अब आप मेरा उद्धार करिए। क्योंकि गुरु ही उद्धार कर सकता है लेकिन वह गुरु कैसा होना चाहिए? कृष्ण का भगत होना चाहिए। कृष्ण हे कृष्ण आप मेरे गुरु हो, मेरा उद्धार करिए। आजकल के गुरु आएंगे आपके द्वार पर, बेटी
तुम्हारे माथे पे साढ़े साथी चल रहा है, ये लो अंगूठी पहनो, तुम्हारा जीवन सफल। कहां से सफल होगा? साढ़े साथी तो इसका चल रहा है कि ये तुम्हारे घर पे बेचने के लिए आया है। लेकिन इतना ही अच्छा, अगर इसकी स्थिति खुद की दुकान नहीं होती, इसकी थोड़ा विचार करो। साधु वो होगा जो आपको कहेगा हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। जो अपने मुख से आपको भागवत कथा सुनाएगा, भगवान की कथा सुनाएगा। और भक्तों जैसी हमारी इच्छा होती है ना, वैसे हमें गुरु मिलता है। अगर हमारी इच्छा होती है कि कुछ हमें शुद्ध गुरु मिले तो शुद्ध मिलता है। अगर हमारी ऐसी इच्छा होती है कि कुछ भोग भी कर लें और कुछ भक्ति भी कर लें, धर्म भी कर लें, तो वही पाखंडी गुरु मिलेंगे। फिर ये तो देख लेना चाहिए, वो गुरु कहेगा बेटा गांजा पियो, सिगरेट पियो, मांसाहार करो, सब करो, और मेरा नाम ले लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कैसे उद्धार होगा? एक बार ऐसे ही घटना एक बार दिल्ली में हुआ। एक व्यक्ति पहुंच गए, पहुंचे गुरु के दरबार में, बोले बाबा 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 मेरा उद्धार करो, मैं बहुत परेशान हूं। बोले बेटा चिंता मत करो, सही जगह आ गए हो, तो सब कार्य करो, खाओ पियो, मौज मस्ती से रहो, बस डोनेशन भी मुझे समय समय पर देते रहना, खाली मेरा नाम ले लेना, तुम्हारा उद्धार होगा। बोला बाबा मैं परम प्रसन्न हो गया। वो भगत महाराष्ट्र से था। बोला बाबा आपको मैं पूरा मुंबई दान में दे देता हूँ। बाबा की समझ गई। बोले साले बॉम्बे तेरे बाप की है जो मुझे दान में देने चला। तो शिष्य बोलता है तो बाबा वैकुंठ तेरे बाप की है जो तू मुझे दान में देने के लिए चला है। अगर वैकुंठ जाना है, वैकुंठ की प्राप्ति करनी है, तो वैकुंठा अधिपति भगवान कृष्ण का भजन करना पड़ेगा। तेरे भजन करने से कुछ नहीं होने वाला। किसका भजन करना पड़ेगा? कृष्ण का। ऐसे गुरु की वही दशा होती है, तुम बनो गुरु, हम बने चेला, और दोनों मिल करके करें ठेलम ठेला। ऐसे गुरु नरक में जाकर के ठेलम ठेला करते हैं। आप लोग के इधर भी कुछ चर्चा वाले गुरु आए हैं कि नहीं? कौन सा? बहुत सारे आजकल धर्म पनप रहे हैं, बोलेंगे हम लोग आए हैं शमशान में, मेरे गुरुदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ। शमशान में सबको ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोग कभी शमशान गए? जब जलता है ना तो जो बगल में बैठा रहता है, देखो यही जिंदगी है, कल तक घूम रहा था, अरे कुछ नहीं रखा है जीवन में, छोड़ दो सब, और वही खैनी बनाएगा खाएगा। पहले तो खैनी तो छोड़। और जैसे ही शमशान से बाहर निकलेगा, आ रहा हूं, कहां हूं, तुरंत काम चालू उसका, विराग। इसको कहते हैं मरकट विराग, है ना? तो ऐसे ढोंगी लोगों को मरकट विराग आता है, और फिर कुछ दिनों के बाद वह खत्म हो जाता है। वो कहेंगे मैं ही भगवान हूं, अपना फोटो भगवान के ऊपर लगा लगा ले, अब भगवान नीचे। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, भगवान सर्वोपरि है, गुरु हमेशा बगल में है, बीच में नहीं। तो इस प्रकार से कपिल देव बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं कि माता अगर साधुओं का संग करोगी ना, साधुओं का संग करोगी तो तुम्हें भक्ति मिलेगा, और तुम किस प्रकार से भगत बन जाओगे कह दे नारद जी के जीवन में देखें तो नारद जी को कहते हैं कि नारद जी पूर्व जन्म में, नारद जी पहले पूर्व जन्म में क्या थे? एक बालक जिनका नाम क्या था बताओ, क्या नाम था नारद जी का पूर्व में? रामदास। क्या नाम था? और उसकी माता नौकरानी थी, जा जा के घर में झाड़ू मारती थी, बर्तन धोती थी, और उससे किसी प्रकार से। देखिए साधुओं के संग का असर क्या होता है, अब सुनो सुनो, साधुओं के संग का असर क्या होता है, भक्तों के संग का असर क्या होता है। उसकी माता नौकरानी थी, और घर घर जा जाकर बर्तन धोती थी और मांजती थी। लेकिन कहते हैं कि एक दिन उनके गांव में एक साधुओं की टीम आई। यहां पे भी साधुओं का टीम आया हुआ है ना, ऐसे साधुओं की टीम आई, और साधुओं की टीम की सेवा जो है उसकी माता कर रही है।
है ना, सेवा कर। और वह बालक रामदास क्या करता, जो जूठन होता था ना साधुओं का, वह खाता था, जूठन खाता था, उसकी माता बर्तन धोती थी। एक दिन की बात, चतुर्मास था, चतुर्मास समझते हैं ना, चतुर्मास आता है, आप लोगों को पता है कि नहीं? पता नहीं मुझे, हमें तो पता है। तो चतुर्मास के समय साधु रुक गए और भजन करने लगे, भक्ति करने लगे, उनकी माता सेवा करने लगी साधु। दिन रात दिन भर सेवा करती और रात में ऐसे ही साधुओं के साथ बैठ करके कृष्ण कथा सुनती। और नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी को कि ये वेद व्यास जी, मैं भी वहां बैठे बैठे कृष्ण कथा सुनता था, मैं भी वहां बैठे बैठे कृष्ण कथा सुनता था। चतुर्मास बीता और वह साधु अपने अपने गांव चले गए, अपने अपने घर चले गए। लेकिन कुछ दिन की बात है, जब वह चले गए तो मेरी माता एक दिन दूध दूह रही थी और उसकी मृत्यु हो गई, है ना, मेरी माता दूध दूह रही थी और उसकी मृत्यु हो गई। क्या कहूं, एक दिन की बात है, मैं बहुत विचलित हो गया और कृष्ण को याद करने लगा। क्यों? क्योंकि साधुओं से सुना था कि जब विचलित हो जाओ तो कृष्ण को याद करो। और जैसे ही कृष्ण को याद किया है, वेदव्यास जी क्या कहूं, मेरे हृदय में भगवान की झांकी दिखी, भगवान ने मुझे दर्शन दिया। और पुनः मैं उस दर्शन को पाने के लिए व्याकुल हो गया, एक छोटा सा दर्शन दिया और उस दर्शन को पाने के लिए व्याकुल हो गया। लेकिन आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, तुमने अभी जिसका दर्शन किया है ना, अब दोबारा उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। अगर दोबारा करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो। फिर मैं भक्ति करने लगा, भक्ति करने लगा, खेत खरवट इस प्रकार से मैं इधर उधर घूमने लगा और घूमते 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 भगवान की भक्ति करने लगा। तो एक दिन धीरे 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 करते जब मैं भगवान की भक्ति करने लगा तो भगवान ने मुझे एक शरीर दिया। कौन सा शरीर? मैं उस शरीर को छोड़ दिया और कब इस नारद मुनि के शरीर में आ गया मुझे पता भी नहीं चला। और आज देखो भगवान की कृपा से मुझे देवदत्त का नाम का वीणा प्राप्त है। और जब भी मैं इस वीणा की तार को छेड़ता हूँ ना, अद्भुत ध्वनि निकलती है और मुख से हरिनाम निकलता है। और नारद मुनि कहीं पे भी जा सकते हैं जब इच्छा। तो जो व्यक्ति साधुओं की संगति करता है ना, उसे भगवान की कृपा निश्चित प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद की कृपा से आपको भी भगवान के भक्तों का संगति प्राप्त हुआ है। कृपया आइए और इस संगति का लाभ लीजिए। अब तो दो ही दिन बचे हैं, कल और परसों। भारी मात्रा में अधिक से अधिक भीड़ करिए और आइए। ध्यान रखिए कि हम भक्ति करते हैं ना, किसी को लाते हैं ना भागवत कथा में, तो हमें भी हमारा फल जो है ना दो गुना हो जाता है। चार लाए तो चार गुना, आठ लाए तो आठ गुना। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को बुलाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमाणंदे हरि हरि वो। कैसा रहा, कैसा लगा कथा? अच्छा अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा। इतना सुंदर कथा आप लोग लाखों खर्च करेंगे तो नहीं मिल सकता है। हकीकत हम बता रहे हैं, लोग आते हैं
लोग कथा भी कराते हैं, हमें तो इधर के अनुभव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं बड़े बड़े जग कराते हैं लोग और उसमें कथाकार बुलाते हैं, आते हैं और अपने फिलेसफूस झाड़ते हैं और दक्षिणा बटोरते हैं और सीधे निकल जाते हैं रूम, उनके लिए अच्छा अच्छा रूम। लेकिन हमारे प्रभु जी देख लीजिए ये घर कितना बड़ा, फाइव स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छा है। इसमें रह करके भी हमारे प्रभु जी इतना सुंदर सुंदर हम लोग के, मतलब देखिए बड़ा भगवान का जन्म कराए, लग रहा था कि सबसे बड़ा भगवान उतर जाएंगे, इतना सुंदर इतना सुंदर बड़ा भगवान के जन्म कराए, वाह। और इसके बाद बहुत सुंदर वर्णन किया हमारे प्रभु जी व्यक्ति के बारे में कि मनुष्य को किस प्रकार से होना चाहिए, अपना काम गृहस्थी करो लेकिन 50 के बाद क्या बोले 51, 51 मतलब वन, लास्ट में वन आता है, वन में जाइए। वन कहाँ, ये जंगल में नहीं, ये जंगल में जाएंगे तो नहीं भजन हो पाएगा। वन मतलब वृंदावन, वृंदावन जाइए भजन कीजिए। वृंदावन के बारे में बहुत सुंदर बताए हमारे प्रभु जी और माता देवहूति के संवाद, इतना अच्छा सुंदर, वाह कितना सुंदर हमारे प्रभु जी ने वर्णन किए कि व्यक्ति चाहे कुछ भी करे लेकिन अगर साधु संग नहीं किया तो उसका ये संसार में कुछ नहीं। कबीर दास भी बोलते हैं कि साधु संग गति किन्हीं रे तूने वृथा जन्म गयो। हम लोग साधु संग नहीं करते हैं, हमारा वृथा जन्म जाता है। और जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहियो। कितना सुंदर, इसी पे कहा जाता है साधु संग साधु संग साधु संग है, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर इस संसार से छुटकारा पाना है तो हमें साधु के संगति में आना पड़ेगा। और हमारे प्रभु जी बहुत अच्छा साधु के वर्णन किए कि साधु किस प्रकार होना चाहिए। साधु ऐसा नहीं कि बड़ा दाढ़ी रख ले, बड़ा बाल रख ले, लाल कपड़ा पहन ले, कमंडल लेके अलख निरंजन करे और वो साधु हो गया, ऐसा नहीं। साधु की मतलब साधव। हमारे देखिए यहाँ जितने हैं ना, मैं क्या तारीफ करूं, इन लोग के अंदर सबके अंदर साधना है, भले से छोटे छोटे हैं। प्रभुपाद जी ने एक ऐसा हम लोग को मिशन बनाया, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि सब लोग भक्ति कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर हमारे प्रभु जी इतना सुंदर कथा सुनाए, फिर क्या कहा जाए। प्रभु जी को ये मेरा अगर 1 करोड़ भी मुख रहे, 1 करोड़ तो मैं 1 करोड़ मुख से 1 करोड़ बार तारीफ करूं तो भी कम है। तो आइए प्रभु जी को एक बार हम लोग हरि नाम मंत्र से स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो सबसे बड़ा धन क्या है, हरि नाम। तो सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करिए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी के लिए और आप समस्त ग्रामवासी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि इतना मूल्यवान समय देकर ये गांव में घूमते घूमते हम लोग को पैर में दर्द हो जाता है, इतना बड़ा गांव है। लेकिन सही कहा गया है, किसी ने सही कहा है कि हीरे के दुकान पर सब जाते नहीं है, सब स्टील के दुकान पर जाते हैं। गांव बड़ा, ये हीरा के दुकान है, हीरा के दुकान पर आप लोग असली जौहरी आप लोग हैं कि हीरे के दुकान पर आए। तो आप लोग खड़े हो जाइए, हम लोग भागवत की आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए और आगे आइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गांव बड़ा है लेकिन भक्ति नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी लोग आइए इधर आइए, सभी लोग
भैया थोड़ा पंखा बंद कर दीजिए प्रभु जी। मैं दे रहा हूं बोलिए भागवत भगवान की जय। आवाज निकालिए प्रभु कितना बढ़िया हरिदास जी के वर्णन किए। फिर भी आप लोग शांत मौनी बाबा हरे कृष्णा आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण के अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीलारति रस रस निधान के लीलारति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की काली मलमत नि प्रताप निवारण काली मलमत नि कृपात निवारण जन्म मृत्यु माया भव भया हरण जन्म मृत्यु माया भव भया हरण सेवत सतत सकल सुख कारण सेवत सतत सकल सुख कारण सुमह औषधि हरि चरित गान के औषधि हरि चरित ज्ञान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिने विषय विलास विमोह विनाशिने विमल विराग विवेक विकासिने विमल विराग विवेक विकासिने भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिने भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिने परम ज्योति परमात्म ज्ञान के ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मनोल्लास ने परमहंस मुनि मनोल्लास ने रसिक हृदय रस रास विलासिने रसिक हृदय रस रास विलासिने मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने मुक्ति रति प्रेम सुदासिने कथाय किंचन प्रिय सुजान के कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी लोग ऐसे हाथ कीजिए सभी लोग केवल ऐसे हाथ कीजिए राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देखिए लग रहा है कि आप लोग शोक दिवस में आए हैं शोक दिवस है कितना सुंदर कथा हुआ कितना सुंदर गान बजान कितना सुंदर कथा भी ड्रामा होने वाला है इससे पहले दोनों हाथ खड़ा कीजिए दोनों हाथ सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करके और झूमते हुए सभी लोग झूमिए सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करके लाके वृंदावन को ओ लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को अली रे मोहे लागे वृंदावन अली रे मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को आली रे मोहे लागे वृंदावन ने को आली रे मोहे लागे वृंदावन ने को हो मोहे लागे वृंदावन घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर बोलो सेवा ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी